अच्छा देखो एक बार, अगर लास्ट क्लास देखो तो हम लोगों ने जो भी किया था उसका होमवर्क मैंने नोट डाउन कर लिया था, क्योंकि बीच बीच से हम लोगों ने पीडीएफ के बीच से क्वेश्चन किए थे तो वो समझ में नहीं आ रहा था। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि ग्रुप बोनस का, ये एक बाकी है, और 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक ये हमारा बाकी था। तो इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से चलते चलो, क्योंकि 22 से 16 तक आई होप कि हो जाएगा, देखते हैं कितना होता है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22 से हम लोग स्टार्ट करते हैं करना। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, टू वर्कमैन विष्णु एंड शिवा प्रोड्यूसेस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मेटेरियल। तो विष्णु और शिवा दो वर्कर हैं या फिर दो लेबर हैं, जो भी समझो, इन लोगों ने क्या किया है, एक प्रोडक्ट बनाया है जिसमें दोनों ने सेम काइंड ऑफ मेटेरियल यूज किया है। देयर नॉर्मल वेजेस रेट इज रिमेन ऑल्सो सेम। नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस, नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस मतलब जो एक लेबर को मिलेगा। देखो लेबर को क्या क्या मिल सकता है, एक तो वेजेस जिसके लिए वो काम कर रहा है, उसके अलावा उसे इंसेंटिव मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, ओवर टाइम पीरियड का पेमेंट मिल सकता है। वो तो डिपेंड करेगा लेबर पे, अगर लेबर ओवर टाइम कर पाता है, जरूरी तो नहीं है कि दोनों ने ही किया है या फिर किसी, अब किसने किया वो तो क्वेश्चन हमें बताएगा ना, तो उस हिसाब से ओवर टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि काम कर रहा है तो ओवर टाइम मिलेगा ही मिलेगा, ओवर टाइम करने से ओवर टाइम मिलता है। बोनस अगर कुछ बेनिफिट मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को तो बोनस दे दिया जाता है इन लोगों को, जैसे कि टाइम बचा लिया, जो प्रोडक्शन करना था स्टैंडर्ड उससे ज्यादा कर दिया तो बोनस मिलता है। तो नॉर्मल वेजेस मतलब जो एक डील होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई काम करता है, चाहे वो स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो जो भी हो, जो एक मिनिमम जो मिलता है, एक जो बोला जाता है पहले से, दैट इज नॉर्मल वेजेस। ठीक है, इतना इसीलिए बोल रहा है क्योंकि यहां पर देखो बोलेगा फाइंड द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस, तो इसीलिए समझना है हम लोगों को कि नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस क्या होता है। नॉर्मल रेट मतलब जो दोनों में फिक्स्ड होगा, लाइक इसमें हो गया एट द रेट ऑफ 10, इसमें भी हो गया एट द रेट ऑफ 10, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस। शायद यहाँ दिया हुआ नहीं है, हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले नहीं किया है। विष्णु इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू द रोवन सिस्टम। अब देखो विष्णु को बोनस दिया जाता है लेकिन उसके लिए रोवन सिस्टम फॉलो होता है, और शिवा इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू हेल्से सिस्टम। शिवा को बोनस दिया जाएगा लेकिन वो हेल्से सिस्टम, तो दोनों का बोनस जो है उसका पैटर्न अलग कर दिया है। द टाइम अलाउड टू मेक द प्रोडक्ट इज 100 आवर। तो जो प्रोडक्ट के लिए ये लोग काम कर रहे हैं उसका टाइम अलाउड जो है 100 आवर करके है, वो तो दोनों को ही मिला है, ठीक है, दोनों को बता दिया है 100 घंटे करके मिलेगा ये प्रोडक्ट बनाने के लिए। विष्णु टेक्स 60 आवर्स, विष्णु ने लिया है 60 आवर्स जबकि शिवा ने लिया है 80 आवर्स। तो ये टाइम अलाउड था, ये टाइम टेकन इतना बताया गया था, लेकिन दोनों ने इतना इतना टाइम लिया है। तो हाउ टू आवर्स टू कंप्लीट द प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, द फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज 10 पर मैन आवर एक्चुअली वर्कड, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड मैंने एक दिन बताया भी था तुम लोगों को कि फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, फैक्ट्री का खर्चा। कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो पहले लगता है डायरेक्ट मेटेरियल, फिर लगता है डायरेक्ट लेबर, फिर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब मिला के बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। फिर ये सब जुगाड़ होने के बाद फैक्ट्री में ले जाया जाता है प्रोडक्शन के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, वो मिलके होता है फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो हम लोग को डायरेक्ट मेटेरियल के बारे में भी इस क्वेश्चन में कुछ बताया था, क्या बताया था, कि दोनों ने सेम काइंड ऑफ डायरेक्ट मेटेरियल यूज किया है लेकिन दोनों का लेबर कॉस्ट अलग हो जाएगा, क्योंकि विष्णु जो है उसको बोनस मिलेगा रोवन में, और जो ये शिवा जो है इनको मिलेगा हेल्से सिस्टम में। तो डायरेक्ट लेबर दोनों के केस में अलग अलग हो जाएगा, तो दोनों का मुझे अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद बोला गया फैक्ट्री ओवरहेड, इसका रेट है 10 पर मैन आवर एक्चुअली वर्क। 10 मतलब एट द रेट ऑफ 10, पर मैन आवर, मैन आवर मतलब एक ह्यूमन बींग जितने घंटे काम करेगा। तो ये देखो यहाँ पर जो ये क्या है, विष्णु जो है उस उन्होंने काम किया है 60 आवर्स, ठीक है, एट द रेट ऑफ 60, तो फिर सॉरी एट द रेट ऑफ 10 करके 60 आवर्स का जितना होगा वो विष्णु का फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा, और जो शिवा है उसका कितना होगा 10 करके 80 आवर्स के लिए द फैक्ट्री कॉस्ट। इन दोनों को मिला के होता है फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। द फैक्ट्री कॉस्ट फॉर द
प्रोडक्ट फॉर विष्णु, विष्णु का फैक्ट्री कॉस्ट बता दिया 7280, शिवा का बता दिया 7600। यहाँ पर सारा चीज बताया, बताया क्या नहीं है, बताया नहीं है हमें मेटेरियल का क्या खर्चा है। ये वाला पॉइंट देखो, ये जो पॉइंट है इसको अगर बोले तो ये हमें नहीं पता, नॉट नोन। ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते बट इसका भी पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मुझे बताया ही नहीं है कि लेबर को कितना करके पेमेंट करना है। डायरेक्ट एक्सपेंस इस क्वेश्चन में है नहीं, तो इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। प्राइम कॉस्ट जो आएगा उसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड, फैक्ट्री ओवरहेड हमारा आ जाएगा 10 × 60 और 10 × 80 करके, फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग दोनों का कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं दैट इज डायरेक्ट लेबर, कैसे कैलकुलेट करें, डायरेक्ट मेटेरियल, और हमें बोला है कि वही दो कैलकुलेट करना है। देखो, टू फाइंड द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटेरियल, उसके बाद लास्ट में बोला है टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट comparing the factory cost of the product as made by the two workmen, two worksmen, ठीक है। तो हमें एक statement बनाना पड़ेगा जहां पर हम लोग दो factory cost को compare करके दिखा सकेंगे। तो ये देखो, यहां पर missing figure वाला question है, मतलब आधा से ज्यादा चीज दिया हुआ नहीं है, जो main चीज दिया हुआ है that is the total जो cost हो रहा है वो बता के रखा है, factory cost। तो ऐसा question में हमें क्या करना चाहिए, देखो क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं दो, यहाँ पर पर्टिकुलर जैसे हम लोग करते हैं, अच्छा यहाँ पर लिखते हैं दो वर्कर का नाम, विष्णु और शिवा, ठीक है। अच्छा अब देखो, हम लोग कैसे लेबर कॉस्ट निकालते हैं, मेटेरियल कॉस्ट तो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, दोनों का बराबर है, ठीक है, देखेंगे वो कैसे होगा। लेकिन पहले तो हमें पूरा इन्फॉर्मेशन लेबर रिलेटेड था, तो लेबर का हम लोग देखते हैं क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर लिखते हैं टाइम अलाउड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, टाइम अलाउड का ही मतलब होता है स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, टाइम अलाउड का ही मतलब होता है स्टैंडर्ड टाइम। दोनों को दिया गया है 100 आवर, ठीक है, काम को कंप्लीट करने के लिए। और टाइम टेकन, दोनों ने अपना अपना टाइम लिया हुआ है, एक ने लिया है 40 और एक ने लिया है 60। देखो 40-60 है, विष्णु टेक 60, तो ये 40 नहीं है, 80 था शायद, हाँ 80, ठीक है। अच्छा अब बताओ, हम लोगों को बोला है कि एक जन को हेल्से में प्रीमियम बोनस मिलेगा और एक जन को जो है मिलेगा रोवन में, तो किसको कौन से वाले में बोला गया था, यहाँ चेक कर लेते हैं, रोवन, विष्णु का रोवन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं बोनस प्लान, इनको मिलेगा रोवन और इनको मिलेगा हेल्से, ठीक है, ये दोनों पैटर्न में हमें देना है, ठीक है। तो दोनों में हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल वेज रेट क्या है। नॉर्मल वेज रेट निकलेगा, देखो हेल्से के लिए क्या होता है, 50% ऑफ बोनस आवर होता है, और रोवन के लिए होता है टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, बोनस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। रोवन के केस में बोनस रेशियो कैलकुलेट करते हैं, हेल्से में हम लोग करते हैं 50% ऑफ टाइम सेव्ड, ठीक है। तो पहले टाइम सेव्ड निकाल लेते हैं, बताओ टाइम सेव्ड किसका क्या होगा, किसने कितना टाइम बचा लिया है, बता सकते हो, यहाँ से देख के आराम से बता सकते हो, बताओ। तब तक हम यहाँ पर पॉइंट 20% और 40%, हाँ 40 और 20, कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, 1 - 2 करके। 100 घंटे दिया गया था, 60 घंटे में काम कंप्लीट, 100 घंटे दिया गया था, 80 आवर्स में काम कंप्लीट, तो ये टाइम सेव्ड हो गया। अब जो प्लान है उसके हिसाब से यहाँ पर ये रो वन में मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा बोनस रेशियो, देखो मैंने इस तरह से सिखाया था याद रखने के लिए। तो बोनस रेशियो कैलकुलेट करेंगे, बोनस रेशियो क्या होता है, टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, तो 40/100, ठीक है। और यहाँ क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, बोनस 50% ऑफ बोनस आवर, ठीक है, इसका नाम मैंने क्या दिया था याद रखने के लिए तुम लोग को, बोनस आवर, दैट इज 50% ऑफ टाइम सेव्ड, दैट इज 10 आवर, ठीक है, 20 का आधा हो जाएगा 10 आवर, ये हम लोग को बोनस कैलकुलेट करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बोनस प्लान, बोनस प्लान के हिसाब से हमारा ये आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा अब हम लोग को क्या निकालना चाहिए, नॉर्मल वेजेस निकालना चाहिए,
नॉर्मल वेजेस कैसे कैलकुलेट करना चाहिए? नॉर्मल वेजेस मतलब जिसने जितना घंटा काम किया है, ठीक है, इसने 60 और इसने 80 इनटू नॉर्मल वेज रेट, तो यहाँ पर नॉर्मल वेज रेट ही गायब है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग इसको एज्यूम कर रहे हैं नॉर्मल वेज रेट ₹1 पर आवर, ये लिख देते हैं, आवरली बेसिस पे ही होना चाहिए, ठीक है, ₹1 पर आवर आवरली बेसिस पे ही होगा, ठीक है, नॉर्मल वेज रेट। अच्छा, पीस रेट तो नहीं होगा ना नॉर्मल, क्योंकि आवरली बेसिस पे इसीलिए होगा। कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया? बिकॉज मेरा बोनस का प्लान ही तो रोवन और हाल से है, तो रोवन हाल से तो आवर रिलेटेड काम होता है, तो इसीलिए ₹1 पर आवर मैंने ये माना है, ठीक है। अगर ₹1 पर पीस भी हो सकता था, लेकिन रोवन हाल से में तो आवरली बेसिस पे होता है, तो इसीलिए मैंने आवर माना है। तो अब बताओ नॉर्मल वेजेस कितना होगा, बता सकते हो नॉर्मल वेजेस कितना होगा? अगर किसी को ₹1 एक घंटा काम करने के लिए मिलेगा, तो 60 आवर्स काम करने का कितना मिलेगा? वही तो नॉर्मल वेजेस। अगर ये 10-10 होता तो तुम लोग क्या करते? वही करना है। हाँ बताओ। हाँ, 60 x या फिर x x 60, तो ₹60 यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। 80 आवर्स काम किया है, ₹1 करके मिलेगा, तो ₹80 हो गया। नॉर्मल वेजेस निकाल लिया, अब हम लोग निकालेंगे बोनस। बोनस निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर विष्णु, ये शिवा हो गया, ठीक है। बोनस, तो बोनस जो विष्णु, उनको क्या मिल रहा है, किस हिसाब से मिल रहा है? हाल से रोवन के हिसाब से, ठीक है। तो रोवन के हिसाब से क्या होता है? रोवन के हिसाब से होता है नॉर्मल वेजेस इंटू क्या होता है? बोनस रेशियो, ठीक है, नॉर्मल वेजेस इंटू बोनस रेशियो। तो नॉर्मल वेजेस कितना आया है? नॉर्मल वेजेस 60x, ये देखो 60x इंटू क्या होता है? बोनस रेशियो, नॉर्मल वेजेस इंटू टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड ना, तो 40/100, ये लिख दो 40/100। तो इसका सॉल्व करने से कितना आएगा? 0 0 काट दो, 24x, ठीक है। अच्छा, और शिवा का क्या हो जाएगा? शिवा का टाइम ये कितना है? 80x इंटू 10 आवर, ठीक है, सॉरी 80x इंटू 10 आवर बोल रहे। इसका क्या हो जाएगा? बोनस आवर में कितना हो जाएगा? 10 आवर टाइम बचा लिया है, तो कैसे मिलता है? टाइम जो बच जाता है इंटू नॉर्मल वेज रेट, दैट इज एक्स, तो 10x, ₹10 बोनस हो जाएगा। तुम लोग याद करो ना कैसे होता है, हेल्से में क्या होता है, 50% ऑफ टाइम सेव्ड निकाल देते इंटू नॉर्मल वेज रेट, और रोवन में क्या होता है, टाइम सेव्ड बाई टाइम अलाउड इंटू नॉर्मल वेजेस, वही चीज मैंने यहाँ पर किया है, तो वेजेस आ गया। तो टोटल वेजेस निकालेंगे, टोटल वेजेस मतलब नॉर्मल प्लस बोनस, ठीक है। तो नॉर्मल वेजेस कितना है? 60 और यहाँ पर है 40, तो 24 कितना हो जाएगा? 60 + 24 84x, ठीक है, 84x, और यहाँ पर ₹10 है, 10x और 80x मतलब 90x, ये देख 90x। क्वेश्चन जैसा होता है वैसा ही है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक्स के साथ कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास नॉर्मल वेज रेट गायब है। बाकी अगर तुम लोग देखो तो कुछ नया चीज नहीं है, टाइम सेव्ड निकालना जैसे हम लोग निकालते वैसे ही निकाल लिया, टाइम सेव्ड जैसे माइनस करके निकालते हैं, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। अब बोनस जो प्लान है उसके हिसाब से दोनों का अलग अलग था, तो एक का हम लोग को निकालना था बोनस रेशियो, एक का निकालना था बोनस आवर, तो वो निकाल लिया। उसके बाद नॉर्मल वेज रेट जो हम लोगों ने एज्यूम किया उसके हिसाब से नॉर्मल वेजेस और बोनस को कैलकुलेट कर लिया, तो टोटल वेजेस जो है हम लोगों को मिल गया, ठीक है। अब हम लोगों को अभी तक देखो नहीं मिला, एक्स फाइंड आउट करना है ना, एक्स मतलब हम लोगों ने क्या माना है, नॉर्मल वेज रेट, वही फाइंड आउट करना है। अब देखो जो भी इंफॉर्मेशन था उसे हम लोगों ने यूज कर लिया, अब हम लोग ये वाला इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है? फैक्ट्री कॉस्ट। अब हम लोग इसको लिखेंगे, देखो कैसे लिखना है, हम लोगों को स्टेटमेंट बना सकते हैं, देखो कैसे लिखेंगे। मेटेरियल प्लस डायरेक्ट मेटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस, नहीं और तो डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं है, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, मिलके आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, ये दोनों के केस में होगा, ठीक है। अच्छा, मेटेरियल हमें नहीं पता, तो मेटेरियल को हम लोग रुपीज वाई मान लेते हैं कि रुपीज वाई का मेटेरियल खर्चा हुआ है। अगर
यहां पर विष्णु के केस में रुपीज वाई का खर्चा हुआ है तो फिर शिवा के केस में भी रुपीज वाई होगा, ऐसा क्यों एज्यूम किया जा रहा है? बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों जो है सेम मेटेरियल यूज कर रहे हैं, यानी सेम क्वालिटी सेम खर्चा हुआ है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस हो जाएगा लेबर में, तो ये जो लेबर आया है 84x आया, यहाँ पर जो लेबर आया है 90x आया। इसको ये देखो, मैंने यहाँ पर कवर कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये स्टेटमेंट बना रहे, तो मेटेरियल अगर वाई रुपीज का खर्चा हुआ है, लेबर 84x और यहाँ पर y और 90x, तो टोटल प्राइम कॉस्ट कितना आ जाएगा? इन दोनों को ऐड करने से कैसे लिख सकते हो? x और y का एडिशन, याद करो जब पहले पहले अल्जेब्रा सीखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, x और y का एडिशन लिखा हुआ रहता है, हमें बोलता है इसको लिख के दिखाओ। कैसे करके लिखते हैं हम लोग? x प्लस y, ठीक है। कैसे लिखते हैं? x प्लस y, x एंड y का एडिशन मतलब x प्लस y। तो यहां पर भी कैसे होगा बताओ, यहां पर कितना लिखेंगे? y प्लस 84x, या फिर 84x प्लस y, कैसा भी लिखो, ठीक है, 90x। फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा? फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ 10 करके है, 10 अप्लाई किस पे होगा? जो मैन आवर्स वर्कड कर रहे हैं, तो 60 × 10 600, ये देखो 600, और 80 × 10 800, ये देखो 80 × 10 800। तो ये ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा। अब ये सब ऐड करके कितना होगा? वाई प्लस 84x प्लस 600, वाई प्लस 90x प्लस 800। और इसका हमें पता है कि दिस वन इक्वल टू कितना है, ये देखो 7280 और 7600, इसका वैल्यू बता रखा है, ये देखो इसका वैल्यू बता रखा है। यहाँ पर यहाँ लिखते हैं, ये देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y प्लस 84x प्लस 600, जो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ रहा है उसका वैल्यू है 7280, ठीक है, और y प्लस 90x प्लस 800 उसका वैल्यू हमें बता रखा है 7600, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, थोड़ा मैथमेटिकल टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर दो, 7280 माइनस 600, इसमें मैथ्स थोड़ा ज़्यादा यूज हो रहा है, 6680, y प्लस 90x इक्वल टू 7600 माइनस 800, तो ये हो गया 6800। इन दोनों को एक एक इक्वेशन का नाम दे दो, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, अब और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वन माइनस टू कर लो, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू, तो देखो क्या होगा, वी गेट बाई 1 माइनस 2 वी गेट, तो 1 कितना है, y प्लस 84x, y प्लस 84x इक्वल टू 6680, और y प्लस 90x 6800। तो इसका सॉल्व जो है तुम लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, हम ये वाला मेथड ज़्यादा फॉलो करते हैं, एलिमिनेशन मेथड, इससे ज़्यादा जल्दी होता है, ठीक है। बाकी तुम लोग अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जो सही लगे। ये देखो मैंने 1 माइनस 2 किया ना, तो y माइनस y 84 माइनस 90x, क्योंकि ये 1 वाला इक्वेशन था, ये 2, हम ऐसे प्रेजेंटेशन करते, तुम लोग चाहो तो इसे मतलब ऐसे ना करके लाइन बाय लाइन भी लिख के कर सकते हो। तो 84 माइनस 90, तो ये हो गया माइनस 6x, ठीक है, और 6120, अच्छा माइनस 120, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइड करके देखो 20, ठीक है 20 हो गया। तो देखो हम लोग को एक आंसर तो मिल गया कि फाइंड द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस, तो नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस ये हो गया। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस एट द रेट ऑफ 20 पर आवर। और एक चीज अभी भी बाकी है, दैट इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटेरियल। तो कॉस्ट ऑफ मेटेरियल यानी वाई कैलकुलेट करना है, तो कोई भी एक इक्वेशन लो, वहां पर 20 यानी एक्स का वैल्यू पुट करो, वाई मिल जाएगा, ठीक है। पुटिंग एक्स इक्वल टू 20 इन इक्वेशन वन कर दो, जो सही लगे, वन में करो टू में करो, दोनों में सेम आंसर आता है। तो y प्लस 84x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6680 माइनस 84 इंटू 20, देखो कितना आता है, ये आ रहा है 1680 माइनस 6680, अच्छा 5000, देखो
5000, y का वैल्यू आ गया 5000, तो मेटेरियल कॉस्ट कितना हो जाएगा 5000, और आंसर भी हमारा टैली हो गया। और बोला है कि एक कंपेयरिंग स्टेटमेंट बना के दिखाओ दोनों वर्कर का। ठीक है, कंपेयरिंग स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर विष्णु शिवा, तो यहाँ पर लिखते हैं मेटेरियल, पूरा स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करने बोला है, तो मेटेरियल दोनों का 5000। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मेटेरियल ये भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने सिर्फ मेटेरियल लिखा, तुम लोग डायरेक्ट लेबर चाहो तो लिख सकते हो। लेबर का कॉस्ट कितना होगा ये देखो, तुम लोग 20 मत लिख देना तो गलत हो जाएगा, 20 थोड़ी ना आंसर है, 84x, तो 84 इंटू 20 वही तो लेबर कॉस्ट होगा ना, 84 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा, 84 इंटू 20 करने पे आएगा 1680। ठीक है, ऑरिजन का कितना है, ऑरिजन का है 90, अच्छा 1800। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों हो गया, इन दोनों को टोटल कर लो, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, पूरा लिख देते हैं प्राइम कॉस्ट 6680 प्लस फैक्ट्री ओवर हेड, फैक्ट्री ओवर हेड तुम लोग पूरा लिख सकते हो, फैक्ट्री ओवर हेड, तो एक का तो 600 आ रहा था और एक का 800 आ रहा था, अब दोनों टोटल करके वो आना चाहिए जो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, फैक्ट्री कॉस्ट 7280 और ये हो जाएगा 7600। देख लेते हैं 7280 7600 आ गया। यहाँ पर देखो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा घुमाया था कि हमारे पास ना तो मेटेरियल का डेटा अवेलेबल था ना तो लेबर का नॉर्मल वेज रेट अवेलेबल था। ठीक है, तो उस केस में हम लोगों को एज्यूम करके करना पड़ेगा एक्स वाई इस तरह से। मैम फैक्ट्री का अमाउंट एक बार बता देना, फैक्ट्री का भूल गया, ये वाला 600 800। अच्छा ये 10 into 10 rupees करके था, यहाँ पर दिया हुआ था पर मैन आवर, और मैन आवर कितना यूज हुआ है 60 and 80, इसीलिए पहले वाले का 60, जिसका 60 है 60 into 10, और जिसने 80 आवर्स टाइम लिया है 80 into 10, क्योंकि 10 पर मैन आवर एक्चुअली वर्कड, तो एक्चुअली वर्कड 60 and 80, और उसके हिसाब से 10 rupees के हिसाब से। अच्छा ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन लेकिन काफी बड़ा होगा देखो। ठीक है, और मैंने ऐसे टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन किया, तुम लोग चाहो तो सिर्फ विष्णु बोल के हेडिंग करके उसका कर लो, फिर उसके बाद शिवा बोल के हेडिंग करके उसका भी कर सकते हो, वैसे भी चलेगा। अच्छा 22 के बाद 21, ठीक है क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ पर दिया हुआ है टू फीटर्स, ठीक है, ए लेबरर एंड ए बॉय, यानी दो तीन चार लोग हैं, चार लोग काम कर रहे हैं, टू फीटर्स ए लेबरर एंड ए बॉय अंडरटेक ए जॉब, चार लोग एक काम पे लगे हुए हैं ऑन पीस रेट बेसिस। देखो यहाँ पर बता ही दिया, जैसे पहले वाला हम लोगों ने देखा वहां पर कोई रेट नहीं बताया था, पूछा था वेजेस रेट बता दो, लेकिन हल से रोवन देख के हम लोग समझ गए कि वो आवरली होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर साफ साफ बता रहा है पीस रेट बेसिस पे ये चार लोग काम कर रहे हैं फॉर 1290। बता ही दिया है कि चारों का टोटल कितना पेमेंट होगा, टोटल पेमेंट ये देखो फॉर 1290 का मतलब किसी एक लोग का तो नहीं बता रहा है कि फीटर्स, एक फीटर्स का कितना है या फिर एक लेबर का कितना है या फिर एक बॉय का कितना है, यहाँ पर बता रहा है पीस रेट बेसिस, पीस रेट बेसिस पे ये लोग काम कर रहा है, इन लोग को मिलेगा कितना 1290 rupees मिलेगा। द टाइम स्पेंट बाय ईच ऑफ देम इज 220 ऑर्डिनरी वर्किंग आवर्स, ठीक है, एक एक जन देखो टाइम स्पेंट बाय ईच ऑफ देम, मतलब एक फीटर्स उसने कितना टाइम दिया है 220, ठीक है, फिर दूसरा फीटर्स उसने भी कितना टाइम लगाया है 220, एक जो बॉय है उसने भी कितना टाइम लगाया है 220, एक जो लेबर है उसने भी कितना टाइम लगाया है 220, ये बता रहा है देखो। द टाइम स्पेंड बाय ईच ऑफ देम इज 220 ऑर्डिनरी वर्किंग आवर, मतलब इतना इन लोग को लगाना है, ऑर्डिनरी मतलब कोई एक्स्ट्रा टाइम इसमें नहीं एड ऑन हुआ है, इतना टाइम तो इन लोग को ऑर्डिनरी बात है, मतलब इतना टाइम तो लगने ही वाला है, दैट इज स्टैंडर्ड टाइम। द रेट ऑफ पे ऑन टाइम बेसिस आर 1.50 per hour फॉर ईच ऑफ द टू फिटर्स, ठीक है,
अब पेमेंट का बात हो रहा है, पहले तो बोला पीस रेट बेसिस पे काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर बता रहा है द रेट ऑफ पे ऑन टाइम रेट बेसिस। अच्छा, अब टाइम रेट बेसिस पे किन लोगों को दिया जा रहा है? टाइम रेट बेसिस पे यहाँ पर फिर से क्लियरली बता रहा है कि 1.50 पर आवर बेसिस पे दिया जा रहा है दो फीटर्स को, फीटर वन एंड फीटर्स टू, इन लोगों को दिया जा रहा है टाइम बेसिस पे, 1 पर आवर फॉर द लेबर एंड 0.5 आवर फॉर द बॉय। ठीक है, अच्छा, तो ये बता रहा है कि इसके बाद, ये तो मैंने फीटर्स का बताया, चलो अब यहाँ पर बोल रहा है लेबर को पेमेंट किया गया है 0.50 पर आवर बेसिस पे, और जो बॉय है इसको भी दिया जा रहा है, नहीं, लेबर को 1 और बॉय जो है 0.50, ये देख लो एक बार, 1 पर आवर फॉर द लेबर एंड 0.5 पर आवर फॉर द बॉय। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा एक बार फिर से देखो, इस पूरे चीज को एक बार फिर से देख लो, नोट डाउन कर सकते हो तुम लोग भी इस तरह से चाहो तो समझने के लिए। देखो, 4 लोग एक काम में हैं, ठीक है, और इन लोगों को टोटल पेमेंट मिलेगा 1290। ठीक है, टोटल पेमेंट मिलेगा 1290 पीस रेट बेसिस पे काम करे, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन में फिर से बोला गया है कि इन लोगों ने इंडिविजुअली कितना टाइम लगाया पूरे काम पे, सब ने 220 घंटे करके टाइम स्पेंड किए जो कि ऑर्डिनरी टाइम है, और रेट ऑफ पेमेंट अलग अलग बताया है, दो फीटर्स का है 1.5 रुपया पर आवर, और लेबर का है 1 रुपया पर आवर, और जो बॉय है उसका है 0.50 पर आवर। अभी तक हम लोगों ने यहां तक पढ़ा, उसके बाद देखो द अमाउंट ऑफ पीस वर्क प्रीमियम एंड द शेयर ऑफ ईच वर्कर वेन द पीस वर्क प्रीमियम इज डिवाइडेड प्रोपोर्शनली टू द वेजेस पेड। देखो, द अमाउंट ऑफ पीस वर्क प्रीमियम, ठीक है, तो प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा जो मिल रहा है ना वो पीस वर्क बेसिस पे मिल रहा है, मतलब अगर जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है उससे ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो प्रीमियम मिलेगा, एंड उसका शेयर कैसे दिया जाएगा, मतलब प्रीमियम कैसे पेमेंट करना है, द शेयर ऑफ ईच वर्कर व्हेन द पीस वर्क प्रीमियम इज डिवाइडेड प्रोपोर्शनली टू द वेजेस पेड। तो प्रीमियम जितना भी मिलेगा वो कैसे मिलेगा, एक एक वर्कर को, वो उन लोगों का रेस्पेक्टिव वेजेस के साथ प्रोपोर्शनल होगा, यानी बोल सकते हो रेशियो या फिर प्रोपोर्शनल बेसिस पे होगा, जितना वेजेस मिलेगा उस बेसिस पे ही इन लोगों को प्रीमियम का पैसा भी मिलेगा। ठीक है, कंप्यूट द सेलिंग प्राइस ऑफ द अबव जॉब, सेलिंग प्राइस ऑफ द अबव जॉब ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल डेटा। अब ये क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ द अबव जॉब मतलब जो काम ये लोग कर रहा है, तो ये जो प्रोडक्शन होगा ये बेचने के लिए कर रहा है, जो प्रोडक्ट ये लोग बना रहा है फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर रहा है वो बेचने के लिए बना रहे, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। मेटेरियल का खर्चा बता दिया 2010, वर्क्स ओवरहेड बता रहा है 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड बता रहा है 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो हम लोग को सेलिंग प्राइस जो है वो कैलकुलेट करने के लिए बोला है, मेनली यहाँ पर सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए बोला है, और उसके साथ यहाँ पर जो लेबर को पेमेंट का इतना डिटेल्स दिया हुआ है ना, उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेजेस निकाल सकते हैं। वैसे टोटल वेजेस तो हमें बता ही रखा है 1290, टोटल पेमेंट हुआ है 1290, तो हम लोग पहले ये सेलिंग प्राइस वाला निकाल लेते हैं, फिर वेजेस का बाइफर्केशन भी दिखाएंगे, जो कि क्वेश्चन में पूछा तो नहीं है उस तरह से, मेनली तो बोला है कंप्यूट द सेलिंग प्राइस ऑफ द अबव जॉब ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ये बोला है। ठीक है, तो पहले हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल के देखते हैं। तो सेलिंग प्राइस में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मेटेरियल, ठीक है, ऐसे लिखो पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, सेलिंग प्राइस का मतलब हम लोगों ने किस तरह से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया होगा, पहले मेटेरियल आता है, ठीक है, मेटेरियल लाना पड़ता है, तो मेटेरियल का खर्चा क्वेश्चन बता दिया है हमें 2010, उसके बाद आएगा लेबर का खर्चा, लेबर का खर्चा भी क्वेश्चन में यहाँ पर ऊपर बता दिया 1290 टोटल। ठीक है, टोटल बता दिया, यहाँ पर पढ़ के देख सकते हो तुम लोग, इन लोगों को टोटल दिया गया है 1290। अच्छा, उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दो, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर लगता है फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कितना देने के लिए बोला है, देखो वर्क्स ओवरहेड या फिर फैक्ट्री ओवरहेड एक ही बात होता है, ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलते हैं इसे, 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट इतना है इसके ऊपर 20%, तो 3300 इसके ऊपर 20% लगाओ, जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और टोटल आ जाएगा 3960, 3960 इसे हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट।
कॉस्ट 3960. अब फैक्ट्री कॉस्ट मतलब फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो गया, अब बेचने के लिए सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लगेगा. इसके बाद एक्चुअली लगता है हमारा ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन वो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे जो कि 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट है. तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्ट्री कॉस्ट का ही मतलब लेकिन वर्क्स कॉस्ट होता है, ठीक है. फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब ही वर्क्स कॉस्ट होता है. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, तो इसका 10% लगाओ कितना आएगा, 396. ठीक है, ये 396 क्यों आया, एट द रेट ऑफ 10% ऑन वर्क्स कॉस्ट यानी 3960. अच्छा अब इसका टोटल कर लो 4356. इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स. ठीक है, जो प्रोडक्ट हम लोग बेचना चाहते हैं उस पे इतना कॉस्ट लग चुका है 4356. अच्छा उसके बाद बोल रहा है प्रॉफिट एट 25% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट बोला है 25% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी इसके ऊपर 25%, यही तो कॉस्ट ऑफ सेल्स है 1089. तो टोटल कर लो 5445, ये हो गया सेलिंग प्राइस. ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन हमें जो पूछा था उसी हिसाब से आंसर हमारा हो गया कि सेलिंग प्राइस क्या होगा. जस्ट कॉस्ट शीट की तरह हम लोगों ने किया, मेटेरियल दिया हुआ था, लेबर, जैसे जैसे जो जो पॉइंट एप्लीकेबल होता है उस तरह से हम लोगों ने कर लिया. मेटेरियल दिया हुआ था, लेबर, लेबर भी दे के रखा है, ठीक है, लेकिन लेबर को कैसे पेमेंट किया गया है ना उसका एक डेटा दिया हुआ है. लेकिन क्वेश्चन में ये पूछना भूल गया है कि हर एक लेबर का अलग अलग पेमेंट बताओ, लेकिन ये हम करवा देते हैं. ठीक है, किया हुआ भी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अलग अलग लेबर का पेमेंट कैसे दिया जा रहा है वो भी हम लोग देखेंगे किस तरह से मिल रहा है इंडिविजुअली, मतलब टू फीटर्स और एक लेबर और एक बॉय को ये 1290 किस तरह से प्रोपोर्शनेटली गया है उसका भी कैलकुलेशन देखेंगे. लेकिन अगर क्वेश्चन के साथ चलते हैं तो देखो सेलिंग प्राइस बोला था, ये आसान था, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हो गया. अच्छा अब हम लोग निकाल रहे हैं देखो अर्निंग ऑफ ईच पर्सन. ठीक है, अर्निंग ऑफ ईच पर्सन, अर्निंग ऑफ ईच लेबर भी लिख सकते हैं. अच्छा लेबर लिखने से फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, वहां पर नाम दिया हुआ है लेबर बोल के, तो अर्निंग ऑफ ईच पर्सन. ठीक है, तो कितने सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर लिखते हैं यहाँ पर, चार लोग हैं. ठीक है, पर्टिकुलर्स चार लोग में फीटर वन, फीटर टू, लेबर और एक बॉय. ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं टोटल. अब पेमेंट कैसे हो रहा है देखो, सबने 220 आवर्स करके काम किया है. ठीक है, तो 220 आवर्स करके बेसिक वेजेस मिलेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं बेसिक वेजेस. बेसिक वेजेस मिलेगा आवरली बेसिस पे, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा था, नीचे दिया हुआ था डिटेल्स 220 करके, और जो प्रीमियम है वो पीस बेसिस पे मिलेगा. तो 220 दोनों फीटर्स ने इतना टाइम स्पेंड बाय ईच ऑफ देम इज 220 ऑर्डिनरी वर्किंग आवर्स, तो सबका टाइम स्पेंड जो है 220 करके है, 220 आवर. ठीक है, फिर यहाँ पर लिखते हैं 220 आवर. ठीक है, सबने इतना टाइम लगाया. पेमेंट कैसे मिलेगा ये देखो, 1.50 पर आवर फॉर ईच ऑफ द टू फीटर, तो इनटू 1.50, इन दोनों को 1.50 बेसिस पे मिलेगा, तो इसका देखेंगे कितना आ रहा है. और लेबर को ₹1 और ये 50 पैसा करके होगा, तो देख लो कितना हो रहा है. तो 220 इंटू 1.5 ये हो रहा है 30 आ गया, 30 तो नहीं होने, 30 आ रहा है क्या, 330. अच्छा ₹330 यहाँ पर भी हो जाएगा ₹330, यहाँ पर तो 220 होगा, ₹1 करके 220 होना चाहिए और 50 पैसा इसका आधा हो जाएगा, तो ₹110. ठीक है, अब टोटल देखो, टोटल कितना होगा, टोटल कॉलम थोड़ा हटा के करते, टोटल कितना हो रहा है देखो, थ्री थ्री जीरो 990. अच्छा
टोटल हो गया 990, ये बेसिक वेजेस है। अब हम लोग प्रीमियम देंगे, प्रीमियम यानी बोनस, ठीक है। प्रीमियम मिलेगा, बोला है कि वेजेस के प्रोपोर्शनल बेसिस पे प्रीमियम मिलेगा, तो प्रीमियम का टोटल हम लोग बता सकते हैं कि कितना टोटल प्रीमियम है, क्योंकि टोटल दिया गया है 1290। देखो क्वेश्चन में बताया है 1290, इन लोगों को पूरे ग्रुप में टोटल पेमेंट मिला है, ठीक है। ग्रुप में नहीं, एक्चुअली इंडिविजुअली मिला है, ये पूरे जॉब के लिए 1290 का लेबर का एक्सपेंस हुआ है, ये तो लेबर का डिटेल्स है, ये चार लोगों ने मिलकर काम किया। तो 990 अगर मेरा बेसिक वेजेस है और मैंने अगर टोटल 1290 खर्चा किया है, तो बोनस कितने का दिया है बताओ, इसको माइनस 300, करेक्ट, 300 का हम लोगों ने बोनस दिया, और ये बोनस जो मिला है वो वेजेस के प्रोपोर्शनली मिला है। ये देखो बताया है, पीस वर्क प्रीमियम इज डिवाइडेड प्रोपोर्शनली टू द वेजेस पेड, ठीक है, प्रोपोर्शनली टू द वेजेस पेड हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो कितना करके बोनस मिलेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बोनस कितना मिल रहा है 990, ठीक है, टोटल में 330 फीटर्स वन को मिला है, ठीक है। तो इसका प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा बेसिक वेजेस में, टोटल बेसिक वेजेस, प्रोपोर्शन मतलब तो हमें रेशियो देखना चाहिए। देखो 990 में इसमें जो फीटर वन है इसको मिला है 330, तो प्रोपोर्शन कितना है 330 डिवाइडेड बाई 990, ठीक है, 990 में 330 फॉर फीटर वन, ठीक है। तो इसका प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, 00 कैंसिल कर दो, 11 से डिवाइड करो, 1/3, है ना, प्रोपोर्शन कितना हो रहा है, 1/3 हो रहा है, तो 300 का 1/3 जो है वो फीटर वन को जाएगा, इसी को तो प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 990 में कितना मिला है 330, ठीक है, तो 1 में कितना मिलेगा, यूनिटरी मेथड से भी सोच सकते हैं, 990 तो 300 में कितना मिलेगा, ये जो 300 है इसमें कितना मिलेगा, तो 300 में मिलेगा इंटू 300, ऐसे भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन प्रोपोर्शनली चाहो तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो पूरे पूरे में फीटर वन का कितना है 1/3, तो इसको एक काम करते, एक प्रेजेंटेशन कर लेते ताकि तुम लोग भी इजीली लिख पाओ। रुको, इसको कैसे करेंगे, सबका प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं। इसमें सबका प्रोपोर्शन निकाल लेते, फीटर वन, फीटर टू, फीटर वन, फीटर टू, लेबर और बॉय, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 330/990, दूसरे वाले में भी होगा 330/990, और बाकी दो में कितना होगा 220/990। प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं यहाँ पर, और ये 110 ये हो जाएगा, इसका हो गया 1/3, ये देखो 1/3, इसका भी हो जाएगा 1/3, इसमें कितना हो जाएगा, 00 कैंसिल, 11 से डिवाइड करो, 2/9 होगा, 11 से कैंसिल करके देखो, ये हो जाएगा 1/9, ये आ गया प्रोपोर्शन। अब इस प्रोपोर्शन में किसको डिवाइड करना है, ये पूरे प्रोपोर्शन में हम लोगों को 300 को डिवाइड करना है, तो पहले में 100, दूसरे वाले में भी 100 आ जाएगा, ये देखो 100 100, ठीक है, प्रोपोर्शन के हिसाब से। नेक्स्ट आ रहा है 2/9, तो देख लो 300 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9, तो कितना हो गया 66.66 आ रहा है, तो 67 रुपीज़, 67, और लास्ट वाला आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हो जा रहा है 33, ठीक है। तो टोटल देख लो कितना हो जाएगा, 430, यहाँ पर 7, 6, 7, 8, 287, ये 341, 143, तो टोटल करके देखो 1290 आ रहा है कि नहीं, 430 + 430 + 287 + 143, तो टोटल आ रहा है 1290। तो इस तरह से हम लोग करेंगे, अगर क्वेश्चन में पूछ लेता ना कि इसका अलग अलग भी बताओ, तो हमें ऐसे ही करना पड़ता, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनेट का मतलब ऐसे हो गया, या फिर इसका रेशियो करके भी कर सकते हो, इसका रेशियो करोगे तो भी हो जाएगा, रेशियो करने से भी आई थिंक हो जाएगा। रेशियो कितना आ रहा है, 3, ये 11 से अगर डिवाइड करेंगे तो 11, 3, 3, 2, 1 आना तो चाहिए, 3, 3, 6, 2, 8 और 1, 9 आ रहा है क्या, 300 डिवाइडेड बाई 9 इंटू, हाँ बोलो, नीचे एक देखाओ, हाँ देखा, ठीक है, अच्छा
ये देखो इसका रेशियो करके भी कर सकते हो तुम लोग। ये देखो रेशियो 3 3:30, ये जो मैंने प्रोपोर्शन निकाला ना इसकी जगह प्रोपोर्शन मतलब तो रेशियो ही होता है ना, हम लोग रेशियो करके भी कर सकते हैं। 3:3:2:1 ये कैसे आया, ये देखो कैसे इन लोग को वेजेस मिला है, 3:30 3:30 2:20 1100। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया 110, इसको सारा जीरो हटा दो, 11 से डिवाइड करो तो 3:3:2:1। अब ये 3:3:2:1 में 2:1 रेशियो में 300 को डिस्ट्रीब्यूट करो तो पहला आंसर आ रहा है 99.99, यानी 100 फिर 100, इस तरह से भी कर सकते हो। ये कर लो, ये भी शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है बट लैंग्वेज के हिसाब से मैंने प्रोपोर्शनली दिखा दिया, तुम लोग रेशियो में भी कर सकते हो। एक ही बात होता है, रेशियो प्रोपोर्शन में क्या फर्क होता है, रेशियो ऐसे इस टू से लिखा जाता है, प्रोपोर्शन को इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, सम फ्रैक्शन बेसिस में लिखा जाता है, ये रेशियो और प्रोपोर्शन में एक्चुअली रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनली हो गया और ये रेशियो हो गया, दोनों में ही आंसर सेम आएगा। लेकिन इसमें जब करोगे 99.99 आएगा, कोई बात नहीं, उसको हम लोग 100 मानेंगे, तभी हो जाएगा। वैसे भी 0.9 होने से 100 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ, इन ए फैक्ट्री बोनस टू वर्कमैन, इन ए फैक्ट्री बोनस टू वर्कमैन इज पेड अकॉर्डिंग टू रो वन प्लान, टाइम एलोटेड फॉर ए जॉब इज 40 आवर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस 1.25 पर आवर। अच्छा, कि कोई एक वर्कर काम कर रहा है फैक्ट्री में, जिनको रो वन प्लान में बोनस दिया जाएगा, क्योंकि ये तो बोनस के लिए है ना, ये तो नॉर्मल वेजेस के लिए नहीं है। टाइम अलाउड कितना है, 40 आवर्स, और नॉर्मल टाइम रेट है 1.25 पर आवर। आवरली देना ही चाहिए था बिकॉज रो वन है। द फैक्ट्री ओवरहेड चार्जेस आर 50 पैसा पर आवर फॉर आवर्स टेकन। फैक्ट्री ओवरहेड जैसे उसमें था पहले वाले क्वेश्चन में 10 रुपीज करके था, यहाँ पर 50 पैसा बोला है पर आवर फॉर द आवर्स टेकन। आवर्स टेकन कितना है 40, तो 40 आवर्स के लिए फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो जाएगा, 40 आवर्स में 50 पैसा करोगे तो 20 रुपीज होगा। ठीक है, इंटू करके देख लो, अब आधा हो जाएगा ना 50%, तो 20 रुपीज। द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ ए वर्क ऑर्डर एग्जीक्यूटेड बाई ए वर्कर इज 161.875। तो फैक्ट्री कॉस्ट बता दिया है, एक वर्कर ने काम किया और फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट मतलब मेटेरियल, लेबर, प्राइम कॉस्ट, फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड यानी खर्चा लगने के बाद जो आता है दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट बता दिया है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 21 के तरह ही है। ये देखो फैक्ट्री कॉस्ट इतना बता दिया रहा है। द कॉस्ट ऑफ मेटेरियल इन ईच केसेस इज 100, यहाँ मेटेरियल बता दिया है 100 रुपीज। कैलकुलेट द आवर्स ऑफ टाइम टेकन बाई द वर्क मैन टू कम्प्लीट द वर्क ऑर्डर, यानी बेसिकली फैक्ट्री ओवरहेड भी तो हम लोग निकाल सकते हैं 20, अभी मैंने बताया ना कैसे निकालेंगे 40 to 50 पैसा, तो ये पता चल गया। प्राइम कॉस्ट तब पता चलेगा जब लेबर हम लोग निकाल लेंगे, तो बेसिकली यहाँ पर जो मिसिंग फिगर है दैट इज लेबर का है, लेकिन लेबर का कुछ कुछ डेटा दिया हुआ है जैसे कि नॉर्मल वेजेस रेट कितना है, ये सब दिया हुआ है। हम लोग को क्या करना है, सिंपल लेबर को कैलकुलेट करना है और उसके बाद यहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे कि सही हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला, कैलकुलेट द आवर्स, ठीक है, वर्कर ने कितना टाइम लिया, यहाँ पर मिसिंग जो है ना दैट इज टाइम टेकन, टाइम अलाउड पता है, वेजेस रेट पता है, टाइम टेकन नहीं पता, वो हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। टाइम यहां पर लिखते लेट टाइम टेकन बी रुपीज तो नहीं होगा, आवर है ना, एक्स आवर्स। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि टाइम लिया गया है एक्स आवर्स, ठीक है, इस हिसाब से हम लोग लेबर को निकाल सकते हैं कि लेबर कॉस्ट कितना आया। ठीक है, तो नॉर्मल वेजेस कितना आएगा, नॉर्मल वेजेस कितना आएगा, नॉर्मल वेजेस मतलब टाइम क्या होता है, जितना टाइम लिया गया इंटू आवरली, क्योंकि क्वेश्चन आवरली बेसिस पे है तो आवरली वेज रेट ये होना चाहिए। तो टाइम टेकन नहीं पता था, हम लोगों ने एक्स मान लिया, आवरली वेज रेट हमें दिया हुआ है 1.25, रुपीज 1.25 पर आवर, तो कितना हो जाएगा रुपीज 1.25, इतना हो गया। ठीक है, नॉर्मल वेज रेट आ गया, और जो प्रीमियम प्लान है वो रो वन के ऊपर है। ठीक है, तो अब हम लोग बोनस कैलकुलेट करेंगे, तो बोनस कैसे आ जाएगा, बोनस मतलब आएगा नॉर्मल वेजेस, नॉर्मल वेजेस इनटू
टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, जो जिसको हम बोनस रेशियो बोल रहे हैं, नॉर्मल वेजेस कितना है? अच्छा मैंने यहाँ एक्स नहीं लिखा ना, ये देखो एक्स तो लिखना पड़ेगा, 1.25x, तो नॉर्मल वेजेस 1.25x रुपीस 1.25x इनटू टाइम अलाउड और टाइम सेव्ड. अच्छा टाइम अलाउड कितना है? टाइम अलाउड क्वेश्चन में दिया हुआ था 40 आवर्स, ठीक है 40 आवर्स दिया हुआ है. अच्छा टाइम सेव्ड क्या होता है? टाइम सेव्ड हम लोग कैसे निकालते हैं? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन. टाइम अलाउड था 40 आवर्स, टाइम लिया है एक्स आवर्स, तो ये आंसर होगा. इस तरह से होगा. अब इसका पूरा मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा? एक काम करते हैं 1.25 देखते हैं, 1.25 डिवाइडेड बाय 40 कितना आता है? ये कुछ इससे इसको हम डिवाइड करते रहे तो यहाँ पर आ रहा है 0.03125. इससे इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ऐसे या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, छोड़ दो ऐसे ही लिखा हुआ रहने दो, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ऐसे ही रहने दो. तो ये बोनस पता चल गया, ठीक है. अच्छा अब हम लोग को बोल रहा है कि फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है, फैक्ट्री कॉस्ट. अब हम लोग इसका प्रेजेंटेशन करना स्टार्ट करते हैं. चलो तो हम लोग को पता है क्या होता है, मेटेरियल प्लस लेबर, लाइन बाय लाइन नहीं करके नीचे नीचे करते, चलो मेटेरियल प्लस लेबर. मेटेरियल कितना लगा है? मेटेरियल दिया हुआ है 100 रुपीज का. लेबर कितना हुआ? इन दोनों का टोटल कर रहेंगे, ठीक है, तो टोटल वेजेस कितना हो रहा है? अच्छा ये निकाला नहीं, चलो यहाँ लिख लेते हैं. टोटल वेजेस, नॉर्मल वेजेस कितना है? रुपीज 1.25x प्लस बोनस ये वाला है रुपीज 1.25x ब्रैकेट में 40 माइनस x डिवाइडेड बाय 40, ये है, ठीक है. तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल वेजेस. तो इसको सॉल्व भी कर लेते, नहीं तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे? चलो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.25x प्लस 1.25x इनटू, मतलब ब्रैकेट लगा देते हैं, 40 माइनस एक्स बाई 40, ठीक है. ये हो गया लेबर. अच्छा मेटेरियल प्लस लेबर, ठीक है. उसके बाद ये दोनों मिला के होगा प्राइम कॉस्ट, ये दोनों मिला के होगा प्राइम कॉस्ट. तो यहाँ पर लिखते हैं प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट हो जाएगा मेटेरियल प्लस लेबर. मेटेरियल कितना है? 100 रुपीज प्लस लेबर कितना है? ये पूरा लिखना पड़ेगा, 1.25 प्लस 1.25x, x लिखना भूल जा रहे हैं बार बार, 40 माइनस x डिवाइडेड बाय 40. ये हो गया प्राइम कॉस्ट, ठीक है. अब इसमें ऐड हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, यहाँ पर लिखते हैं ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री ओवरहेड मिलेगा 40 × 50 पैसा, बता दिया था क्वेश्चन में, देखो टाइम जितना लिया जाएगा 50 पैसे के हिसाब से मिलेगा, तो 40 × 50 पैसा यानी ₹20, तो हमें मिलेगा टोटल करके फैक्ट्री कॉस्ट. तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ जाएगा? 100 रुपीज़ का मेटेरियल था, रुपीज 1.25x ये नॉर्मल वेजेस था, फिर रुपीज 1.25x इंटू 40 माइनस x डिवाइडेड बाई 40, ऐसा ही कुछ था. हाँ ये हो गया फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है. और इसमें ये भी ऐड करना पड़ेगा ना, प्लस 20 रुपीज फैक्ट्री ओवरहेड, ये सब मिला के फैक्ट्री कॉस्ट. और इसका आंसर हमें दिया हुआ है 161.875. हम लोग बोल सकते हैं दिस इज इक्विवेलेंट टू वो जो अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में. तो 100 प्लस 20 कितना हो गया? 120 प्लस ये लिख लेते हैं 1.25x. अब हम रुपीस हटा देते हैं एक बार, नहीं तो कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बाकी तो सभी रुपीस है. 40 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 40 इक्वल टू 161.875, ठीक है. अच्छा अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 120 प्लस इससे इसको डिवाइड कर दो जैसे कि हम पहले भी कर रहे थे, तो 0.03125 इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इतना एक्स आ जाएगा. 1.25 डिवाइडेड बाय 40 कर दो, जितना आ रहा है इनटू एक्स, फिर यहाँ पर इससे एक्चुअली इससे बोल रहा है डिवाइड करने, ये दोनों को डिवाइड करना है. हाँ एक मिनट पहले ये लिख लेते हैं 1.25x. अब ये और ये डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है. ये और ये डिवाइड करने पे आ गया 0.03125, ठीक है, 125x.
इन दोनों को डिवाइड करके ब्रैकेट में 40 माइनस एक्स। अच्छा अब क्या करेंगे, ये 120 को इधर भेज देते हैं, ठीक है, तो 1.25x प्लस इसके साथ 40 इंटू करो, इंटू 40 तो आएगा, देखो 1.25x, एकदम एक छोटा सा फिगर आ गया, इसके साथ इसको इंटू करो, दिस वन इंटू दिस वन, अब इसके साथ ये वाला इंटू करेंगे, तो प्लस माइनस में माइनस 0.03125x, अब ये माइनस करना पड़ेगा, 161.875 माइनस 120, तो 41.875 माइनस कर दिया मैंने। अब ये दोनों को ऐड और इसको माइनस कर दो, 1.25 प्लस 1.25 माइनस 0.3125, तो ये आ रहा है 2.81875x, 41.875 x इक्वल टू, अब इससे इसको डिवाइड कर दो, 41.875 डिवाइडेड बाय 2.1875, तो ये आ रहा है 19.14। अच्छा ये तो मेरा तो कुछ गलत हो गया लग रहा है, आंसर तो 30 है, एक मिनट देखते हैं क्या गलत कर दिया मैंने, कुछ तो गलत कैलकुलेशन में कर दिया होगा, देखते हैं। मेट्रियल वेजेस 1.25x, उसके बाद 40 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 40 इंटू 1.25 किया तो है मैंने, 1.25 प्लस 1.25 इंटू 40 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 40 टोटल अर्निंग 100 प्लस 1.25x प्लस फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड 20, ओ एक मिनट, एक चीज गलत कर दिया ना मैंने, ये देखो फैक्ट्री ओवरहेड कितना मिलेगा, फैक्ट्री ओवरहेड मिलेगा 50 पैसा पर आवर फॉर आवर्स टेकन, आवर्स टेकन तो एक्स है, वही चीज गलत हो गया, आवर्स टेकन मैंने तो 40 के ऊपर लगा दिया, 40 आवर्स तो अलाउड था, आवर्स टेकन तो एक्स था ना, एक्स आवर लिया गया था, यही वाला चीज यहाँ पर गलत हो गया, तभी नहीं आंसर टैली हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 पैसे के हिसाब से, और भी थोड़ा टफ हो गया कैलकुलेशन, 0.0050x रुपीस, 0.50x रुपीस हो जाएगा, ये 20 नहीं होगा, ये होगा 0.50x, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर फिर ये 120 तो हो नहीं सकता, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 100 और इसका चेंजेस हो जाएगा, तो पूरा का पूरा जो है ये मेरा सोल्यूशन यहाँ पर गलत हो गया, 0.50x इक्वल टू 161.875, एक पॉइंट के चलते पूरा गड़बड़ हो गया। अच्छा यहाँ पर इसको 100 ही लिखते हैं, ये 1.25x इसको मैंने इससे डिवाइड कर दिया, ये आ गया, यहाँ पर एक्स्ट्रा जो मुझे लिखना है दैट इज 0.50x, ये लिख देते हैं 0.50x 161.875, अब इससे 100 को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो लिखना पड़ेगा, ये देखो 161.875 माइनस 100 तो ये आ रहा है 61.875, ठीक है। अच्छा अब ये 1.25 बचा इधर लिख दिया, इसको इससे इंटू करने से जितना आएगा ये सब ठीक है, प्लस 0.50x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ये सब कैलकुलेट करके आया था मेरा 2.1875x और इसमें और भी 0.50 ऐड कर देते हैं, ठीक है, 0.50x, तो यहाँ पर चेंजेस हो जाएगा और ये भी चेंज होगा, 61.875। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 2.1875 प्लस 0.50, तो ये हो गया 2.6875x, 61.875 डिवाइडेड बाय 2.6875, फिर भी नहीं आया, ये 23 आ जा रहा है, 23 जबकि 30 होना चाहिए, ये 23 आ गया मेरा, ओह
ये तो 40x होगा यहाँ पर, ये x स्क्वायर होगा ना, नहीं बोले तुम लोग, ये देखो 0.03125x into 40, तो ये 1.25x आ गया, लेकिन 0.03125x into x करने पे, ये into x करने पे तो x का स्क्वायर आएगा ना, देखो फिर से गलत ना, x का स्क्वायर आएगा, इसीलिए नहीं आंसर टैली हुआ। ठीक है चलो, x स्क्वायर आ गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1.25 + 1.25 + 1.25 + 1.25 + ये 0.50, 3 आ रहा है, 3x माइनस 0.3125x स्क्वायर इक्वल टू 61.875, ऐसा आ रहा है। अच्छा ऐसा आने पे 3 से डिविजिबल होगा, 0.3125 डिवाइडेड बाय 3, नहीं 3 से डिविजिबल तो नहीं होगा, इसमें एक ही उपाय है, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है बता देते हैं क्या होता है फॉर्मूला। यहाँ पर माइनस पहले ही ऐसे लिखेंगे, जैसे जो फॉर्मेट होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब जब मेरे इक्वेशन में पावर में 2 होगा, दैट इज क्वाड्रेटिक। यहाँ पर 2 है, पावर में 2 का मतलब x का 2 आंसर आता है। ठीक है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसको इस पैटर्न में मुझे लाना है, ए एक्स मतलब ये वाला, ए एक्स प्लस बी एक्स तो प्लस 3x है, और प्लस सी तो यहाँ पर प्लस तो नहीं हो रहा है, माइनस हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया। ठीक है एक बार माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेने पे ये देखो ऐसे हो जाएगा, 0.3125 स्क्वायर माइनस 3x प्लस 61.875 इक्वल टू 0। ठीक है अब ये माइनस इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस को एलिमिनेट कर दिया हम लोगों ने, एक्चुअली ये आ गया। ठीक है अब इसका आंसर निकालना है, अब इसका आंसर निकालने के लिए हमें फिर से मैथ्स का एक फॉर्मूला चाहिएगा। ठीक है तो फॉर्मूला जो है श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला तुम लोग को पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। माइनस बी प्लस माइनस होता है, रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। हम दिखाते हैं देखो क्या होता है फॉर्मूला, ये देखो श्रीधर आचार्य ये कौन है, देखो ये भी देख लो, ये एक मिनट यहाँ पर करते हैं, ये देखो ये मैथमेटिशियन है, देख रहे हो ये मैथमेटिशियन है, इन्होंने ये फॉर्मूला जो है बनाया था। ये फॉर्मूला कब काम आता है, जब हम लोग कोई इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो उस केस में हम लोग एक्स का वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला यूज होगा अगर हमें लगता है कि हम लोग किसी इक्वेशन को मिडिल टर्म करके सॉल्व नहीं कर पा रहे तो उस केस में हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला किसके लिए यूज होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा इक्वेशन अगर कोई है तो। देखो मैंने लगभग ऐसा इक्वेशन बना लिया, ये माइनस है कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे हम लोग माइनस 3x मानेंगे। ठीक है तो इस पैटर्न में अगर हम लोग इसको लेके जाते हैं, माइनस बी, बी मतलब जो बी एक्स है, तो बी एक्स यहाँ पर बी कितना है, माइनस 3x है, तो बी का वैल्यू है माइनस 3, तो माइनस ऑफ माइनस 3। ठीक है प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर मतलब माइनस 3 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये देखो माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए कितना है 0.3125, ठीक है इंटू सी कितना है, ये वाला सी है 61.875, ठीक है ये हो गया, डिवाइड डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, ए मतलब 0.3125, देखते हैं सॉल्व हो जाता है कि नहीं। तो ये माइनस 3 और माइनस माइनस में क्या हो गया, प्लस 3 प्लस माइनस ऑफ, ये रूट ओवर अब कितना हो जाएगा 9 माइनस, इसका इंटू करो 4 इंटू 0.3125 इंटू 61.875, तो ये आ जा रहा है 77 आ गया, एक मिनट 77 आ गया,
ये तो 3 आ रहा है, 61.875। बी स्क्वायर 9, यहाँ पर हो जाएगा 9। तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है इसका कैलकुलेशन। 100 प्लस 1.25x, 1.25x इंटू 40। फिर से क्या गड़बड़ कर दिया मैंने? मेट्रियल 100, ठीक है। वेजेस हो जाएगा यहाँ पर, फोर्टी 1.25, सब तो ठीक किया है। एक स्क्वायर नहीं किया था वो भी कर दिया मैंने, 0.50x। ये माइनस में आ जाएगा तो इसका तो सोल्यूशन ही नहीं होगा। 61.4ac। टाइम सेव्ड बाई टाइम अलाउड इनटू ये वाला, करेक्ट तो है 1.25। देखते हैं एक मिनट, 1.25, 40 माइनस x डिवाइडेड बाई 40 प्लस 0.50, 161.875। ये सब सही है। 1.25 डिवाइड करके देख लेते हैं, 1.25 डिवाइडेड बाई 40, तो ये आ गया इंटू 40, 1.25x, ठीक है। फिर इसके साथ इसका इंटू करने पे एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस 0.50। तो ये 1 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, और ये 3 रुपया ही होगा। 3x माइनस 0.3125x² इधर आ रहा है 61.875, 161। हाँ ये तो सही लिखा है मैंने, 61.875। तो ये माइनस ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर बी एक्स, तो बी एक्स तो 339 हो गया। 4ac ऐसे करने पे तो ये तो ज़्यादा ही आएगा, 2 इंटू a। फॉर्मूला सही लिखा मैंने, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ करेक्ट तो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा काम करते हैं, फिर से एक बार लिखते हैं, रुको, कुछ तो मेरा गलत हो रहा है यहाँ पर। अर्निंग को एक बार फिर से लिखते हैं। अर्निंग जो मैंने कैलकुलेट किया, दैट इज 1.25x प्लस 40 माइनस x डिवाइडेड बाई 40, यही वाला किया, 40 माइनस x डिवाइडेड बाई 40 इंटू 1.25 इंटू 1.25x। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं अलग से, 1.25x, अच्छा, प्लस 40 इंटू 1.25, 40 इंटू 1.25, ये 50 आ रहा है। हम पहले क्या करते हैं, इसको इसके साथ इंटू कर लेते हैं, माइनस, ये दोनों को इंटू करने से 1.25x², अच्छा, डिवाइडेड बाय 40। अच्छा इसका पूरा अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ 40 ले लिया, फिर 40 इसका एलसीएम कर देते हैं, 40 इंटू 1.25, तो ये आ रहा है 50x प्लस 50 माइनस 1.25x², तो ये हो गया 50x प्लस 50, ये भी तो x होगा, इसके साथ इंटू होने पे ऐसे ही कुछ मैंने गलत किया होगा, 50x, तो 100x माइनस 1.25x² डिवाइडेड बाई 40, ये आ जा रहा है, ठीक है, ये ओवरऑल आना चाहिए मेरा। तो यहाँ पर मैंने वैसे ही कुछ गलत किया होगा, यहाँ पर x वगैरह में कुछ गलत कर दिया होगा, देखते हैं अब शायद आ जाए।
अब लेबर मेटेरियल कितना है, मेटेरियल है 100 रुपीज, ठीक है। लेबर ये वाला लिखेंगे, लेबर में आ रहा है 100x माइनस 1.25x² डिवाइडेड बाय 40। मैंने अलग से पहले सॉल्व कर लिया क्योंकि प्रॉब्लम हो जा रहा, नहीं तो 0.50x, ये ओवरहेड हो गया 161.875, ठीक है। अच्छा अब ये 100 उधर चला जाएगा, तो 100x माइनस 1.25x² डिवाइडेड बाय 40 प्लस 0.50x इक्वल टू 100, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 161.875 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 61.875। और ये पूरा एलसीएम अगर कर लेते हैं 40 से, तो ये 100x माइनस 1.25x² ये 40 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 20, लेकिन 20x होगा, ठीक है। ये एलसीएम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 40 इक्वल टू 61.875। अब देखते हैं आता है कि नहीं। 100x माइनस 1.25x² माइनस 1.25x² प्लस 20x प्लस 20x इक्वल टू, ये इंटू हो जाएगा 40 इंटू 61.875 इंटू 40, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया 2475। अच्छा ये 120x हो गया, ये दोनों मिला के माइनस 1.25x² और ये हो जाएगा माइनस 2475, ऐसा आ रहा है। देखते हैं अब होता है कि नहीं। माइनस कॉमन लेने से 1.25x² माइनस 120x प्लस 2475 0, ठीक है। अब श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो माइनस बी, ये बी है तो माइनस ऑफ माइनस 120, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 120 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस 120 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1.25 सी 2475 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, ए मतलब 1.25। देखते हैं अगर आ जाए तो सही है, नहीं तो इसको बाद में ही करेंगे। 120 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 120 का होल स्क्वायर, तो 120 इंटू इक्वल टू 14400 आया, माइनस 4 इंटू 1.25 इंटू 2475 आ जाएगा 12375, कम आ गया ना, अब होगा 2 इंटू 1.25, ये 1 है, 2 इंटू 1.25 2.5। अच्छा अब ये माइनस करके देखते हैं, 120 प्लस माइनस 14400 माइनस 12375 ये आ रहा है रूट ओवर ऑफ 2025, और इसका रूट करने पे 45, तो 120 प्लस माइनस 45 डिवाइडेड बाय 2.5। तो एक बार प्लस से चेक करेंगे, एक बार माइनस से, तो 120 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2.5 कितना होता है देखते हैं। 120 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2.5 ये 66 आ गया, और दूसरा 120 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 2.5 30। अच्छा 30 आया, अब देखते हैं आंसर क्या है। हाँ 66 और 30। अच्छा तो दोनों ही पॉजिटिव आया है, लेकिन कौन सा आंसर लेना पड़ेगा? तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मैंने किया था ना कुछ तो गलत किया होगा, तभी जाके यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ये इसको हटा दो, ठीक है, ये वाला पॉइंट कुछ गलत हुआ होगा। ऐसे पॉइंट करके भी हो जाएगा, सेम ही बात है, लेकिन श्रीधर आचार्य हमें यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई मतलब हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो फिर सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा या फिर छोड़ देना पड़ेगा अगर किसी से सॉल्यूशन नहीं होता है। जैसे देखो टाइम टेकिंग तो है, एक पॉइंट इधर उधर हो गया तो पूरा गड़बड़, लेकिन आंसर हमें कौन सा लेना चाहिए? एक्स हमारा 2 आया है, एक तो 66 और एक 30, बताओ 66 और 30 में कौन सा आंसर होगा, क्या लगता है तुम लोगों को? मैंने तो बहुत देर से हम बोल रहे 30 आंसर है, 30 आंसर है, बट 66 क्यों नहीं है, कोई बता सकता है मुझे? 66
66 क्यों नहीं है कोई बता सकता है? एक्चुअल टाइम 40 आवर्स लगा है, तो क्या टाइम टेकन 66 होगा तो क्या उसे बोनस मिलता कभी? ये सोचो ना, एक्चुअली टाइम लगा है, टाइम अलॉटेड है 40 आवर्स, तो क्या कोई 66 आवर्स लेगा काम को कंप्लीट करने के लिए? नहीं, उससे कम ही लेगा, तभी तो उसे बोनस मिला है। तो 30 आवर्स आंसर इसीलिए होगा। तो लिखेंगे टाइम टेकन इक्वल टू 30 आवर्स, इसका मतलब एक्सप्लेनेशन होगा एज एक्चुअल टाइम शुड नॉट मोर देन स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम से ये कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है? ऐसा थोड़ी ना है, 3 घंटा का पेपर है, तुम लोग 10 घंटा बैठ के लिख रहे हो, ऐसा कभी ऑप्शन मिलेगा तुम लोग को? नहीं। उसी तरह से कोई वर्कर को अगर 30 आवर्स दिया गया है, तो या तो उसे 30 आवर्स में कंप्लीट करना है, या सॉरी 40 आवर्स दिया गया तो 40 आवर्स में कंप्लीट करना है, या उससे कम में कंप्लीट करना है। कम में क्या होगा, तभी तो उसे बोनस मिला होगा ना, ज्यादा लगता तो बोनस नहीं मिलता। तो इस तरह से देखो, इसीलिए हमारा जो 66 वाला आंसर है वो नहीं होगा। कंफ्यूजन इसीलिए हो सकता है बिकॉज दोनों पॉजिटिव है। अगर एक नेगेटिव आंसर आता तो फिर टाइम तो नेगेटिव में नहीं हो सकता है, तो फिर पॉजिटिव में होगा। लेकिन ये भी तो देखना है 66 क्यों नहीं होगा। 66 इसीलिए नहीं होगा क्योंकि वो 40 से बहुत ज्यादा है, ठीक है? 40 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, चाहे एक घंटा भी ज्यादा हो, वो नहीं चलेगा, ठीक है? बड़ा टाइम लग गया इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट, ये इजी है। देखो इलस्ट्रेशन 19, ये है हमारा लेबर टर्नओवर के ऊपर। इसको यहीं पर सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखो तुम लोगों को यहाँ पर बोला है कि द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पेरोल ऑफ मेसर्स महेश्वरी ब्रदर्स इज एज फॉलोज। ये पेरोल सिस्टम होता है जहाँ पर लेबर का डिटेल्स लिखा जाता है। बिगिनिंग का देखो, नंबर ऑफ इम्प्लॉयज एट द बिगिनिंग और नंबर ऑफ इम्प्लॉयज एट द एंड, ये बता दिया है। रिजाइन कर दिया है 20 लोगों ने, डिस्चार्ज हो गए हैं 5 लोग। रिप्लेस ड्यू टू रेजिग्नेशन एंड डिस्चार्ज, रेजिग्नेशन और डिस्चार्ज के वजह से रिप्लेस किया गया है 20 लोगों को। कैलकुलेट लेबर टर्नओवर फ्रॉम डिफरेंट मेथड, तो मेन 3 मेथड ही हमें करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारा मेथड ही तुम लोग को लिखवा दिया था क्योंकि सिलेबस में है, लेकिन मेन 3 मेथड रहेगा। अगर तुम लोग को कुछ यहां पर नहीं बताएगा ना, सिर्फ बोला है लेबर टर्नओवर रेट निकालो फ्रॉम डिफरेंट मेथड, बट मेथड का नाम मेंशन नहीं किया, तो हम लोग कौन कौन सा मेथड लेंगे? 3, सेपरेशन, रिप्लेसमेंट और फ्लक्स मेथड। तो देखो पहले लिखते हैं सेपरेशन मेथड। तुम लोग फटाफट कैलकुलेट करते रहो, मुझे बताते जाओ क्या आंसर होगा। सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला क्या था बताओ? नहीं याद है तो कॉपी में देखो और बताओ। नीचे क्या होता है? एवरेज वर्कर। हर एक फॉर्मूला के नीचे क्या होगा? एवरेज वर्कर। बताओ एवरेज वर्कर कितना होगा? नहीं याद है तो कॉपी में देखो, देख के बताओ। एवरेज वर्कर क्या होगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? कितना हो रहा है? 100। कैसे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 150 प्लस 200, 350 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा ना, 175। एवरेज वर्कर होता है, ठीक है? कोई भी फॉर्मूला ले लो, नीचे तो एवरेज वर्कर होना ही है, फिक्स्ड है। तो 175 कैसे हुआ मैंने बता दिया, या फिर तुम लोग अपना कॉपी पलटो, मिल जाएगा तुम लोगों को क्या था। सेपरेशन मेथड मतलब नंबर ऑफ सेपरेशन। बताओ कितने लोग सेपरेट हुए, यहाँ क्वेश्चन में देख के बताना है तुम लोग को। नंबर ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन मेथड में ऊपर लिखा जाता है नंबर ऑफ सेपरेशन। बताओ कितने लोग सेपरेट हो गए? अरे बताओ कितने लोग सेपरेट हो गए? 20 रिजाइन करके सेपरेट हो गए, 20 डिस्चार्ज कर दिया 20 को, तो फिर टोटल 25। नंबर ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा? 25। और रिप्लेसमेंट मतलब हमेशा होता है जो चले जाते हैं उनके बदले हम लोगों ने जितने को रिक्रूट किया है, नॉट फ्रेश रिक्रूटमेंट। कोई वैकेंसी में रिक्रूट नहीं किया, जो लोग चले गए उस वजह से जो वैकेंसी हुआ है उसमें रिक्रूट किया। रिप्लेसमेंट मतलब फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं होता है, बाकी सब होगा। तो बताओ रिप्लेस कितने लोगों को किया है हम लोगों ने? 20 रिप्लेस हम लोगों ने 20 लोगों को किया है। और फ्लक्स मेथड मतलब क्या होता है? सेपरेशन, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, यानी 25
प्लस 20, बस अब इसका आंसर निकाल लो कितना आ रहा है, 25 डिवाइडेड बाय 175। ऐसा तो एक क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 14.29% ये लिखना पड़ेगा परसेंटेज, 20 डिवाइडेड बाय 175 इंटू 100, 11.43%। अच्छा 45 डिवाइडेड बाय 175 इंटू 100 ये हो जाएगा 25.71% ठीक है। तो ये जब कोई मेथड नहीं बताएगा तुम लोगों को सिंपल ये यूज करना है, सेपरेशन मेथड में इसका मतलब होता है नंबर ऑफ सेपरेशन, ये लिखा हुआ है तुम लोग देखो, नहीं देख रहे हो इसीलिए नहीं बता पा रहे हो, नंबर ऑफ सेपरेशन मतलब डिस्चार्ज हो सकता है या फिर जो छोड़ के चले गए डिस्चार्ज रिजाइन इस तरह का लिखवाया हुआ था, रिप्लेसमेंट मतलब इन प्लेस ऑफ दोज पीपल हु आर सेपरेटेड ठीक है, जो चले जाते हैं उनके बदले जिनको हम लोग रिक्रूटमेंट देते हैं, मतलब नो फ्रेश रिक्रूटमेंट, यहाँ पर फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं आएगा, फ्लक्स मतलब इन दोनों का टोटल। क्वेश्चन नंबर 18 ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है ए वर्क मेजरमेंट स्टडी वाज कैरिड आउट इन ए फर्म फॉर 10 आवर्स ठीक है, 10 घंटे का एक मेजरमेंट स्टडी किया गया कि 10 घंटे में कितना काम हुआ है ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि यूनिट प्रोड्यूस्ड 10 घंटे में 350 यूनिट प्रोडक्ट जो है वो बना है, टाइम आइडल टाइम ठीक है, आइडल टाइम मैंने बताया था दो तरह का होता है, नॉर्मल आइडल टाइम होता है या फिर एबनॉर्मल, तो कुछ नहीं बताया है तो इसको हम लोग नॉर्मल आइडल टाइम मानेंगे ठीक है, जब कुछ नहीं बताता है तो हम लोग नॉर्मल आइडल टाइम मानेंगे जो कि हम लोग लेस कर सकते हैं हमारे टोटल टाइम से क्योंकि ये अनअवॉइडेबल है, ये हम लोग रोक नहीं सकते, नॉर्मल आइडल टाइम मतलब वर्कर थोड़ा रेस्ट ले रहा है या फिर वर्कर टिफिन वगैरह कर रहा है तो इसके लिए, या फिर फैक्ट्री से लेके वो स्टोर तक जा रहा है इसमें जो टाइम वेस्ट होता है नॉर्मल आइडल टाइम। परफॉर्मेंस रेटिंग 120% परफॉर्मेंस रेटिंग मतलब कितना अच्छा काम कर रहा है ठीक है, 120% उसका परफॉर्मेंस लेवल है, और अलाउंस टाइम है, सुबह सुनते बच्चों उसके बाद देखो परफॉर्मेंस रेट 120% अलाउंस टाइम 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम ठीक है, अलाउंस टाइम है 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, अलाउंस मतलब कुछ टाइम जो दिया जाए, जैसे आइडल टाइम मतलब जितना टाइम हम लोग काम नहीं कर रहे दैट इज आइडल टाइम 15% है, अलाउंस टाइम मतलब उन लोगों को रेस्ट लेने के लिए टाइम दिया गया है कि 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम आप लोग रेस्ट ले सकते हो, ये गिवन है ठीक है, ये गिवन है, ये फिक्स्ड है कि इतना परसेंट टाइम रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये काम करते हुए पता चला कि नॉर्मली 15% टाइम जो है वो वेस्ट हो गया है ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द टास्क, इस टास्क का स्टैंडर्ड टाइम क्या है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो देखो पहले बोला है कि हमें ये पता चल गया कि पूरे इस काम के लिए 350 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 10 आवर्स जो है वो काम हुआ है देखो, तो टोटल टाइम टेकन 10 आवर्स, 10 आवर्स टोटल काम हुआ है। अब आइडल टाइम जो है वो हम लोग लेस कर देंगे ठीक है, यहाँ पर लेस कर देंगे आइडल टाइम, टोटल 10 घंटा काम हुआ है लेकिन उसमें कुछ आइडल टाइम भी है, आइडल टाइम मतलब नॉन प्रोडक्टिव टाइम मतलब जहां पर प्रोडक्शन नहीं हो सकता, जैसे वर्कर अगर फैक्ट्री से स्टोर तक जा रहा है तो थोड़ी ना प्रोडक्शन का काम चल रहा है, प्रोडक्शन का काम बंद है, या फिर वर्कर टिफिन कर रहा है ठीक है, या फिर वर्कर क्या कर रहा है वो कुछ मेटेरियल वगैरह एक जगह से दूसरे जगह ला रहा है, या फिर वो अपना अटेंडेंस दे रहा है, तो जब भी वो फैक्ट्री में एंटर करता है तब से लेके घर जाने तक का टोटल 10 घंटा उसने काम किया, लेकिन 10 घंटा ही उसने प्रोडक्टिव काम किया ये तो पॉसिबल नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए, तो 15% जो है इधर उधर जो मतलब अनअवॉइडेबल काम होता है उस वजह से 15% टाइम जो है वो चला गया है, तो 10 घंटे का 15% अगर हम लोग लेस कर देंगे तो कितना होगा 10 into 15% तो 1.5 आवर्स,
तो 10 माइनस 1.5, तो ये हो गया 8.5 आवर्स. 8.5 आवर्स हो गया प्रोडक्टिव टाइम. ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्टिव टाइम. एक्चुअल प्रोडक्टिव टाइम, जैसे सपोज तुम लोग स्कूल जब जाते हो, तो स्कूल कॉलेज जो भी हो, ठीक है, तो कॉलेज का थोड़ा सिचुएशन अलग होता है. ठीक है, हम स्कूल का बताते हैं. स्कूल में क्या होता है, हम लोग मान लो 10 से 5 स्कूल जा रहे हैं. ठीक है, तो वहां पर 10 से 5 जब स्कूल जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि पूरा टाइम ही हम लोग पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं होता है. उसमें आइडल टाइम तो होता है ना, एक टीचर आए, फिर दूसरे टीचर, मतलब एक क्लास कंप्लीट हुआ, फिर दूसरे जन आ रहे, तो इसमें भी थोड़ा टाइम इधर उधर होता है. तुम लोग टिफिन भी करते हो, दैट इज आइडल टाइम. तो ये हो गया एक्चुअल प्रोडक्टिव टाइम, मतलब एक्चुअल तुम लोग कितने टाइम पढ़ाई कर रहे हो. तो क्लास जितना टाइम हो रहा है, जैसे टीचर आते ही थोड़ी ना पढ़ाना स्टार्ट कर दे, वो आएंगे, बैठेंगे, बुक ओपन करेंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे. तो ये सब अनअवॉइडेबल है. हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते इंटर क्लास में किया तो पढ़ाना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, कुछ नॉर्मल ह्यूमन बींग का नेचर होता है, उस वजह से जो टाइम बर्बाद होता है, दैट इज 1.5 आवर्स आ रहा है. यहाँ पर 8.5 एक्चुअल प्रोडक्टिव टाइम हो गया. ठीक है, अच्छा, अब परफॉर्मेंस रेट है 120%. परफॉर्मेंस रेट अगर 120% है, तो इससे हमें कैलकुलेट करके मिल जाएगा नॉर्मल टाइम. देखो, नॉर्मल टाइम कितना आ जाएगा, यहां पर देखो, एक्चुअल टाइम हुआ है 8.5 आवर्स. ठीक है, एक्चुअली 8.5 आवर्स हम लोग प्रोडक्टिवली काम कर रहे हैं, मतलब वर्कर ने प्रोडक्टिव काम किया, और उसका परफॉर्मेंस रेटिंग अगर 120% है, तो फिर नॉर्मली कितना टाइम लगना चाहिए था, 10.2 आवर्स. ठीक है, 10.2 आवर्स होगा, जो कि यहाँ पर 8.5 इसने लिया है, लेकिन नॉर्मल टाइम उसका होना चाहिए था 10.2 अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस रेटिंग. ठीक है, परफॉर्मेंस रेटिंग के हिसाब से ये होना चाहिए था नॉर्मल टाइम. और इसके साथ इन लोगों ने अलाउंस टाइम दिया है 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम. अब नॉर्मल टाइम लिखो या स्टैंडर्ड टाइम लिखो, ठीक है. अब रिलैक्सेशन कितना दिया गया है, 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम. तो यहां पर ऐड करते हैं रिलैक्सेशन अलाउंस. रिलैक्सेशन अलाउंस है, अच्छा एक मिनट रुको, ये नॉर्मल टाइम है, ये स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, रुको एक मिनट. रिलैक्सेशन अलाउंस यहां पर हो रहा है, ये लिखा हुआ है 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम. 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, 10% ऑफ स्टैंड, मतलब एक्चुअली क्या हुआ ना, एक्चुअल प्रोडक्टिव टाइम 8.5 आवर्स हो रहा है, कि उसने 8.5 आवर्स लिया है, यानी टाइम टेकन हम लोगों को मिल गया फॉर प्रोड्यूसिंग 350 यूनिट. 350 यूनिट पूरा बनाने के बाद चेक किया गया कि 10 घंटा लगा है, लेकिन उसमें हम लोगों ने चेक किया कि 1.5 घंटा जो है, 1.5 आवर्स, 1.5 घंटा नहीं, 1.5 घंटा तो 1.6 होना चाहिए था, 1.5 जो हो रहा है, 5 आवर्स, ये कितना हो रहा है, इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और 0.5 × 60 कितना हो जाएगा, 30 और 60, 90 मिनट्स. हाँ, ये 90 मिनट्स जो है ये बर्बाद हो जा रहा है. ठीक है, और 10 आवर्स मतलब 600 मिनट्स, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं. और 8.5 मतलब फिर कितना हो जाएगा, 600 - 90, 510. तो 510 मिनट्स एक्चुअली टाइम लगा है 350 यूनिट प्रोड्यूस करने का. इसका मतलब है 350 यूनिट प्रोड्यूस करने में टोटल 510 मिनट लगे हैं, जबकि काम तो 600 मिनट तक वो वर्कर कर रहा था, लेकिन 90 मिनट जो है उसका आइडल टाइम लग गया, इसीलिए काम हुआ है 10 घंटा यानी 600 मिनट्स, लेकिन प्रोडक्टिव काम हुआ है, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जो टाइम लगा हुआ है, दैट इज 510 मिनट्स या फिर 8.5 आवर्स. अब यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ था परफॉर्मेंस रेटिंग, अगर परफॉर्मेंस रेटिंग 120% दिया हुआ है, तो 8.5 आवर्स जो टाइम इसने लिया है, परफॉर्मेंस रेटिंग के हिसाब से उसका 10.2 आवर्स होता. ठीक है, 10.2 आवर्स मतलब कितना मिनट होता है, ये भी एक बार देख लो, 10.2 तो समझ जाओगे, 10.2 × 60 कर लो, तो हो जाएगा 612 मिनट्स.
ठीक है, नॉर्मल टाइम 612 मिनट्स लगना चाहिए था, लेकिन 510 मिनट में काम हो गया. अकॉर्डिंग टू हिज परफॉर्मेंस रेटिंग टाइम लगना चाहिए था 612 मिनट्स, दैट इज नॉर्मल टाइम जो उसका परफॉर्मेंस रेट है, लेकिन उसने फिर भी काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर दिया है, ये देखो 510 मिनट में कंप्लीट कर दिया है. ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर बोला है अलाउंस दिया गया है 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम. ठीक है, अलाउंस जो दिया गया है, अलाउंस यानी रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन दिया गया है 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम. तो नॉर्मल टाइम मतलब स्टैंडर्ड टाइम, नॉर्मल टाइम मतलब कितना टाइम लगता है. जैसे मान लो अगर तुम लोगों को 3 घंटे का पेपर कंप्लीट करने में 2 घंटा 50 मिनट लगता है, फॉर एग्जांपल तुम लोग के परफॉर्मेंस रेटिंग के हिसाब से दैट इज द नॉर्मल टाइम. लेकिन अगर तुम लोगों ने 2 घंटा में कर दिया तो एक्चुअल टाइम, ठीक है, लेकिन वो तो स्टैंडर्ड टाइम नहीं हुआ. तो नॉर्मल टाइम मतलब जो लगता है तुम लोगों को पता है कि मेरा 3 घंटा का पेपर 2 घंटा 50 मिनट में खत्म हो जाता है, मुझे 10 मिनट टाइम मिल जाता है, ठीक है, परफॉर्मेंस के हिसाब से. लेकिन अगर तुम लोगों ने किसी दिन 2 घंटा में कंप्लीट कर दिया तो वो भी हो सकता है. ये देखो 2 घंटा में, तो यहां पर क्या हुआ, 510 मिनट में कंप्लीट कर दिया, जबकि परफॉर्मेंस रेटिंग के हिसाब से लगता था 612 मिनट, ठीक है, या फिर 10.2 आवर्स. अब यहां पर बोला गया है कि रिलैक्सेशन जो दिया गया है 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है, ठीक है, 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है. तो क्वेश्चन में हमें यह पूछा है कि स्टैंडर्ड टाइम कितना है वो बताओ. स्टैंडर्ड टाइम मतलब टाइम गिवन, जैसे कि 3 घंटा टाइम दिया हुआ है तुम लोग को पेपर कंप्लीट करने में, स्टैंडर्ड टाइम पूछा है. इसका मतलब है यहाँ पर तुम लोग को पूछ रहा है कि 3 घंटा जो पेपर का टाइम मैंने बताया ना, जैसे मैंने बताया 3 घंटा लगता है, ये स्टैंडर्ड टाइम है. तुम लोग का परफॉर्मेंस के हिसाब से 2 घंटा 50 मिनट में तुम लोग कंप्लीट कर ले तो दैट इज नॉर्मल टाइम, और 2 घंटा में किसी दिन तुम लोग कंप्लीट कर लिए दैट इज टाइम टेकन. हमें यहाँ पर पूछा है स्टैंडर्ड टाइम बताओ, ठीक है, हमें क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टाइम पूछा हुआ है. अब स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर बोला है कि रिलैक्स स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रिलैक्सेशन दिया हुआ है 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है. तो फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर रिलैक्सेशन दिया हुआ है 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, नॉर्मल टाइम के साथ अगर हम लोग रिलैक्सेशन टाइम को ऐड करेंगे तभी हमें स्टैंडर्ड टाइम पता चलेगा. नॉर्मल टाइम के साथ अगर हम लोग रिलैक्सेशन टाइम को ऐड करेंगे ना तभी तो हमें स्टैंडर्ड टाइम पता चलेगा. तो स्टैंडर्ड टाइम अगर 100 है, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम यहां पर लिखते हैं, देखो स्टैंडर्ड टाइम, नॉर्मल टाइम, टाइम यहां पर लिखते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम. तो रिलैक्सेशन टाइम कितना है 10%, मतलब 10, ठीक है, तो स्टैंडर्ड टाइम कितना है 100, तो नॉर्मल टाइम कितना होगा, अगर स्टैंडर्ड टाइम में अगर 90 होगा ना, ज्यादा क्यों होगा, नॉर्मल टाइम तो माइनस करना पड़ेगा ना. मुझे अगर 100 फॉर एग्जांपल 100 आवर दिए गए हैं और मेरा जो रेस्टिंग टाइम है, ठीक है, वो अगर 10 आवर्स है तो नॉर्मल टाइम कितना लग जाएगा, 90, ठीक है, 90 आवर्स लगना चाहिए. तो नॉर्मल कितना हो जाएगा 90. तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये अगर स्टैंडर्ड के ऊपर 10% है तो नॉर्मल टाइम के ऊपर कितना होगा, 10/90. अगर स्टैंडर्ड के ऊपर रेट 10% है, ये देखो 10% है, तभी तो मैंने किया था 10/100 था तभी तो 10% हुआ था. तो नॉर्मल टाइम के ऊपर कितना हो जाएगा 10/90. तो यहाँ पर 10/90 मतलब 1/9, ठीक है, तो 612 मिनट या फिर 10.2 आवर्स जो भी ले सकते हो उसके ऊपर 1/9 करके देखो. तो 10.2 डिवाइडेड बाई अगर 9 करेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा पॉइंट में आ जा रहा है. तुम लोग मिनट को ही यूज करते हैं, देखो मिनट को यूज करते हैं तो ये 68 मिनट्स आएगा फिर आंसर. तो 68 प्लस 612 तो ये हो जाएगा 680 मिनट्स स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है. अब इसको अगर हम लोग आवर में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, 680 डिवाइडेड बाय 60 कर लो, 11.33 आ रहा है, 11.33, छोड़ो मिनट में ही रखते हैं. अब पूछा है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द टास्क, तो स्टैंडर्ड टाइम हो गया 680 मिनट्स. और स्टैंडर्ड टाइम ऐसे भी हम लोग एक आंसर निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच यूनिट. तो 350 यूनिट के लिए 680 टाइम दिया गया था, तो 680 डिवाइडेड बाय 350, ये देखो पूरा 350 यूनिट बना हुआ है, तो 650 डिवाइडेड बाय 350 तो 1.680, मैंने 50 क्यों लिख दिया, 680 डिवाइडेड बाय 350 1.943 मिनट्स.
तो एक बार देखो, क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन थोड़ा अलग टाइप का। यहाँ पर बताया था, फिर से एक बार बता देते। एक वर्क, एक काम का मेजरमेंट किया गया तो देखा कि टोटल 10 घंटा काम हुआ है और 10 घंटे में 350 यूनिट बनाए, लेकिन 10 घंटे में 15% टाइम जो है वो नॉर्मल इधर उधर के वजह से चला गया, अनअवॉइडेबल जो टाइम होता है। तो एक्चुअली टाइम जो काम हुआ है, टोटल प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव टाइम बोला जाता है, ठीक है, इसमें प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। तो प्रोडक्टिव टाइम हो गया 8.5 आवर्स, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है कि नॉर्मल टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। परफॉर्मेंस रेटिंग है 120%, तो परफॉर्मेंस रेटिंग अगर किसी वर्कर का 120% है तो उस हिसाब से उसका टाइम लगना चाहिए था 612 मिनट्स, जबकि उसने टाइम लिया है 510 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद बोला है कि रिलैक्सेशन भी दिया गया है, रिलैक्सेशन टाइम जो कि स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर दिया गया है। तो हम लोगों ने रेशियो निकाल लिया अकॉर्डिंग टू नॉर्मल टाइम कितना होगा, तो फिर उसको नॉर्मल टाइम के साथ हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो नॉर्मल टाइम प्लस रेस्टिंग टाइम दोनों मिलाएंगे तभी हमें क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड टाइम। तो यहाँ पर आ गया 68 मिनट्स। इसको पूरा मैंने मिनट्स में ट्रांसफर कर दिया, नहीं तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, पॉइंट में आ जा रहा है आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 70 देखो, इसमें क्या है। ए मैन्युफैक्चरर इंट्रोड्यूस ए न्यू मशीन इनटू हिज फैक्ट्री विद द रिजल्ट दैट प्रोडक्शन पर वर्कर इज इंक्रीज्ड। मैन्युफैक्चरर ने एक नया मशीन लगा दिया अपने फैक्ट्री में, ताकि क्या हुआ, इसका जो रिजल्ट आया वो है प्रोडक्शन पर वर्कर इंक्रीज। एक एक वर्कर पहले जितना प्रोडक्शन कर रहा था उससे अब ज्यादा कर रहा है। द वर्कर्स आर पेड बाय रिजल्ट्स, मतलब जिसने जितना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया उस हिसाब से पे होगा, इसीलिए द वर्कर आर पेड बाय रिजल्ट्स एंड इट इज एग्रीड फॉर एवरी 2% इंक्रीज इन एवरेज इंडिविजुअल आउटपुट एंड इंक्रीज ऑफ 1% ऑन द रेट ऑफ द वेजेस विल बी पेड। इसका मतलब क्या है कि नया मशीन लगाने से पर वर्कर में आउटपुट बढ़ा है, अब इस हिसाब से इन लोग का पेमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज होगा ये देखो, पेड बाय रिजल्ट एंड इट इज एग्रीड फॉर एवरी 2% इंक्रीज। अगर किसी ने अपना जो पहले मान लो 100 यूनिट बना रहे थे, ठीक है, अब 2% इंक्रीज का मतलब 102 यूनिट बना रहे, अगर किसी ने 102 यूनिट बना लिया, 2% इंक्रीज कर दिया, तो एवरेज आउटपुट के हिसाब से, तो एवरेज आउटपुट अगर पहले मान लो 100 यूनिट था, तो 2% इंक्रीज 102 यूनिट, तो 1% टोटल वेजेस से ज्यादा मिलेगा। मान लो पहले मिल रहा था 1000 रुपया, अब इस पे और भी 1% ज्यादा मिलेगा, तो 1% मतलब 1010 हो जाएगा आई थिंक, इस तरह से पेमेंट होगा। ऑल द टाइम द मशीन इज इंस्टॉल्ड एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द सॉरी एट द टाइम द मशीन इज इंस्टॉल्ड एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फॉल्स बाई 8 1/3। लेकिन सेलिंग प्राइस जो है प्रोडक्ट का वो 8 1/3 रुपीज से कम कर दिया गया, 1/3% से, नॉट रुपीज, 1/3%, 8 1/3% से कम हो गया। सो द नेट सेविंग इन प्रोडक्शन कॉस्ट विच वुड बी रिक्वायर्ड टू ऑफ सेट द लॉसेज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टर्न ओवर एंड बोनस पेड टू वर्कर। प्रॉब्लम क्या हुआ, इधर हम लोगों ने वर्कर को बोल दिया पेमेंट ज्यादा करेंगे अगर आप लोग प्रोडक्शन ज्यादा करते हो, लेकिन मार्केट में बाय चांस किसी रीजन से, चाहे डिमांड कम हो कुछ भी हो, सेलिंग प्राइस कम करना पड़ा, तो इस वजह से तो एक लॉस होगा क्योंकि मेरा अर्निंग कम हो रहा है, ऊपर से मेरा एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहा है। तो क्या होगा वो बता रहा है यहां पर, क्या देखने बोला है। सो द नेट सेविंग्स इन प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट में कितना सेविंग होगा, सेविंग तो होगा ही, पहले मान लो जो प्रोडक्शन हो रहा था अभी उससे ज्यादा हो रहा है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या कोई सेविंग्स हो रहा है नया मशीन लगा के, वो देखने के लिए बोल रहा है। उसके साथ बोल रहा है कि विच वुड बी रिक्वायर्ड टू ऑफसेट द लॉसेस। अच्छा, अब लॉसेस क्यों हो रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस मेरा कम हो गया है, ऊपर से हम लोगों ने वर्कर को बोनस का बात बोल दिया है, तो फिर इसीलिए हमें देखना पड़ेगा कि नेट रिजल्ट क्या हुआ इस कंडीशन से। तो नंबर ऑफ वर्कर फर्स्ट पीरियड में कितने थे, सेकेंड पीरियड में कितने, मतलब चले गए कुछ, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड कितना कितना हुआ है फर्स्ट और सेकेंड पीरियड में, वेजेस पेड ये फर्स्ट पीरियड का बता रहा है, टोटल सेल ये बता दिया, ठीक है, बस इतना ही है क्वेश्चन। अच्छा, तो पहले हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ वर्कर था 175 और वहां पर आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ था 16,800, क्योंकि वर्कर लोगों को वेजेस कैसे मिलेगा, उन लोगों ने जितना एवरेज प्रोडक्शन एक्स्ट्रा किया उस हिसाब से। तो बताओ पहले पीरियड में एक
एक वर्कर ने कितना प्रोडक्शन किया था? 16,800 यूनिट बना है, 175 वर्कर ने काम किया, तो एक एक वर्कर ने कितना प्रोड्यूस किया था फर्स्ट पीरियड में? प्रोडक्शन 96 डिवाइड कर दो, 16,800 टोटल प्रोडक्शन हुआ है, 175 लोगों ने मिलके किया है, तो 96 करके हो रहा है नंबर ऑफ यूनिट पर वर्कर इन पीरियड वन, मतलब एक एक वर्कर ने 96 यूनिट बनाया। अब इसका बताओ सेकेंड पीरियड में क्या कंडीशन है, क्या इंप्रूवमेंट हुआ है नया मशीन लगाने के बाद? 14,000 डिवाइडेड बाय 112, तो ऑब्वियसली हुआ है, पहले 96 हो रहा था, 112 हुआ है, तो कितना इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इंक्रीज के ऊपर बोनस मिलेगा, पहले 96 हो रहा था, अब 112 हुआ है, बताओ कितना इंक्रीज हुआ है? माइनस 16, माइनस कर दो 100, हाँ पहले, क्योंकि मैंने तो पर वर्कर पे ट्रांसफर कर दिया ना, पहले एक वर्कर 96 यूनिट बना पा रहा था, अब एक वर्कर, वही वर्कर 112 यूनिट बना रहा है, तो एक वर्कर का इंक्रीमेंट कितना है नया मशीन लगाने के वजह से? 16 यूनिट करके इंक्रीमेंट है। अब इसका परसेंटेज निकालते हैं कि टोटल परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट क्या है, 16 यूनिट इंक्रीज हुआ है कितने पे? 96 पे, क्योंकि 96 इंक्रीज हुआ है 16, तभी तो वो 112 बना है, तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा? 16/96 × 100, तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट हो गया 16.66% ऐसा आ रहा है, ठीक है। और फर्स्ट पीरियड में वेजेस कितना था? 33,600, और सेकंड पीरियड में वेजेस नहीं दिया हुआ, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से हमारा क्वेश्चन मतलब फिगर जो है मिसिंग रहेगा, यहां से हम लोग को कैलकुलेट करते जाना है, बाकी दिया हुआ है उस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी तक जितना बोला उसको पहले कर लेते हैं, देखो सेवेंटीन है, पहले लिखते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स पर वर्कर इन पीरियड वन, 16,800 डिवाइडेड बाय 175, तो 96 करके, फिर नंबर ऑफ यूनिट्स पर वर्कर इन पीरियड टू, 125 और 14,000, तो ये आ रहा है 112, क्योंकि मैंने एक एक वर्कर का कैलकुलेट कर लिया, तो इंक्रीज निकाल सकते हैं, तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन पर वर्कर, एक एक वर्कर का इंक्रीमेंट कितना है, पहले 96 हो रहा था, अब 112, तो 16 यूनिट, ये सब तो यूनिट में आ रहा है ना, 16 यूनिट इंक्रीज है, और परसेंटेज ऑफ इंक्रीज कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? क्यों परसेंटेज निकाल रहे हैं? बिकॉज बोला है कि फॉर एवरी 2% इंक्रीज, तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज तो निकालना पड़ेगा ना, 2% इंक्रीमेंट के ऊपर पेमेंट मिलेगा, तो कितना परसेंट हो रहा है? 16 डिवाइडेड बाय 96 × 100, तो इंक्रीमेंट है 16.67, ठीक है, 67% इंक्रीमेंट है परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। अब वेजेस निकालेंगे सेकेंड पीरियड का, वेजेस फॉर पीरियड वन कितना है? 33,600, तो सेकेंड पीरियड का कितना? दीदी है, बोलो बोलो। ओ रोशनी मेरी आज अच्छा, कोई नेटवर्क इशू होगा। अच्छा देखो, सेकेंड पीरियड में कितना हम लोग वेजेस देंगे, तो सेकेंड पीरियड में वेजेस कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो यहाँ पर जब यूनिट प्रोडक्शन कितना हो रहा था, यूनिट प्रोडक्शन हो रहा था 33,600, जब यूनिट प्रोडक्शन हो रहा था 175, तो कितना मिला था? 33,600। हम लोग नॉर्मल वेज रेट एक बार निकालते हैं पीस के हिसाब से, 33,600 मिला था जब 175 वर्कर काम कर रहे थे, 175 लोगों को 33,600 मिला था, तो 125 लोगों को कितना मिलेगा? जो पहला सिस्टम था, जो ऑलरेडी एक सिस्टम अप्लाई किया गया था, उसके हिसाब से कितना मिलेगा? अगर 175 लोगों को 33,600 मिल रहा है, तो 125 लोगों को कितना मिलेगा? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 33,600 पेड टू 175 वर्कर, तो डिवाइडेड बाय 175 करने से एक एक वर्कर को कितना मिल जाएगा? तो 125 लोगों को कितना देना पड़ेगा?
33,600 डिवाइडेड बाई 175 इंटू 125, तो ये हो जा रहा है 24,000. ठीक है, वेजेस फॉर सेकेंड पीरियड ये नॉर्मल इतना होना चाहिए 24,000 विदाउट एनी बोनस. ठीक है, ये बोनस के हिसाब से नहीं है, ये मैंने पहले के हिसाब से कैलकुलेट किया कि 33,600 175 लोगों को दिया था तो 125 लोगों को 24,000 रुपए देना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पर इंक्रीज पेमेंट भी देना पड़ेगा क्योंकि इंक्रीमेंट तो हुआ है 16 यूनिट करके. तो इंक्रीज इन वेजेस, इंक्रीज इन वेजेस, और इसका रेट बोला है हर 2% इंक्रीज होने पे, ये देखो हर 2% इंक्रीज होने पे 1% एक्स्ट्रा वेजेस दिया जाएगा. ठीक है, एक्स्ट्रा वेजेस दिया जाएगा. तो इंक्रीमेंट देखते कितना होगा, 24,000 जो है इस पे हमें एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाएगा. यहाँ पर ये देखो, एट द टाइम द मशीन इज इंस्टॉल्ड द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फॉल्स बाई 8.33% जो है ये सेलिंग प्राइस कम हो गया है. ठीक है, तो अगर सेलिंग प्राइस कम हो गया है, ये तो सेलिंग प्राइस बताया, हम लोग को वेजेस को कितना देना पड़ेगा, वेजेस का इंक्रीमेंट है 16, ये देखो 16.66 यानी 16.67% ये इंक्रीमेंट मिलेगा. लेकिन कितना मिलेगा फॉर 2% इंक्रीज, देखो 2% इंक्रीज होने पे 1% मिलेगा. ठीक है, तो 1% इंक्रीज होने पे कितना मिलेगा, 1/2%. ठीक है, 1% इंक्रीज होने पे कितना मिलेगा, 1/2%. तो 16.67% इंक्रीज होने पे कितना मिलेगा, 1.2 × 16.67. देखो यहाँ पर मेरा बात समझो, ये क्या है, ये हम यूनिटरी मेथड करें क्यों कर रहे हैं. देखो मेरा टोटल इंक्रीमेंट कितना है, 16.67, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया. अब बात ये आ रहा है कि कैसे पेमेंट दिया जाएगा. क्वेश्चन में बोला है कि अगर 2% प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, ये क्या इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन. 2% प्रोडक्शन इंक्रीज होने से पेमेंट कितना इंक्रीज किया जाएगा, 1%. ठीक है, ये क्वेश्चन बता दिया. तो 16.67% अगर मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो पेमेंट कितना दिया जाएगा, तो 2% के लिए अगर 1% होगा तो 1/2 × 16.67 इसको कैलकुलेट कर लो. तो 16.666 जब तक कैलकुलेटर लेगा उसी तरह से तुम लोग को लिखना है. ठीक है, क्योंकि जब कोई डेटा ऐसे 0.666 जाएगा तो उसी तरह से लेने से आंसर जो है वो सही आता है. तो 8.33 ऐसे आ रहा है, 8.33%. तो इफेक्ट कितना आएगा, यहाँ पर देखो वेजेस का इफेक्ट कितना आएगा, 24,000 तो मिलेगा ही और इंक्रीज मिलेगा 8.33%. तो 24,000 पे तुम लोग इस तरह से निकालो, 24,000 इंटू 8.33, जब तक 3 जाएगा कैलकुलेटर में तब तक लिखना है, 24,000 इंटू 8.3333 लिखते जाओ जब तक कैलकुलेटर ले रहा है, फिर परसेंटेज दबाओ तो तुम लोग को मिलेगा 199.99. तो 2000 हो जाएगा. तो 24,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, ऊपर से 2000 इंक्रीमेंट के लिए मिलेगा. ठीक है, अच्छा अब हमें लॉस को सेट ऑफ करना है, बोला है ना कैसे करके हम लोग लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं. देखो तो यहाँ पर पहले क्या कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने कि वेजेस कितना होगा, 24,000 प्लस 2000, ये हो गया. अब सेल का क्या कंडीशन है, सेल कम हो गया है तो सेल्स इन पीरियड वन कितना था, 75,600. ठीक है, अच्छा सेल्स इन पीरियड टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75,600. ये हो रहा था जब हमारा प्रोडक्शन कितना था, 16,800 यूनिट बेच के हम लोग 75,600 रुपए कमा रहे थे. तो अगर हम लोग 14,000 यूनिट बेचेंगे तो कितना कमा सकते हैं, 75,600 डिवाइडेड बाई 16,800 इंटू 14,000. तो ये हो जाएगा, हाँ 63,000 ये हो गया. ठीक है, लेकिन ये नहीं कमा पाएंगे बिकॉज सेल मेरा डिक्रीज हुआ है, सेलिंग प्राइस मतलब पहले के बेसिस पे मैंने ये कर दिया कि पहले के बेसिस पे मैंने ये किया कि अगर 16,800 यूनिट बेच के 33,600 कमा रहे तो 14,000 बेच के इतना कमा पा रहे हैं, लेकिन इतना नहीं कमा पाएंगे बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, फॉल्स इन सेलिंग प्राइस जो कि 8.33 है. तो यहाँ पर निकालते हैं डिक्रीज इन सेल्स, तो कितना हो जाएगा, 63,000 इंटू 8 1/3%, मतलब वही 8.33, पूरा 8.33 तुम लोग लिखते जाओ जब तक कैलकुलेटर लेगा, इंटू 8.333%. तो ये आ रहा है 5250. देखो
5250 आ रहा है, ठीक है, 5250 आ गया, तो ये मेरा लॉस हो रहा है क्योंकि मुझे 5250 रुपए का रिकवरी नहीं मिलेगा और मैंने लेबर को 2000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम, ठीक है, मुझे लेबर को 2000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। दो लॉस हुआ, क्या हुआ, एक तो वर्कर को जो 24000 से काम बन जाता क्योंकि हम लोगों ने बोला नया मशीन लगाए हैं प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, वर्कर को हम लोगों ने एक लालच दे दिया कि आप लोग अगर प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो 2% इंक्रीज पे आपको 1% एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाएगा, तो फिर टोटल इंक्रीमेंट इतना हुआ, उस वजह से 2000 एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है। ऊपर से यहाँ पर जो 5250 का लॉस होगा क्योंकि सेलिंग प्राइस मेरा रिड्यूस हो जाएगा, 63000 नहीं रहेगा, उसमें इतना कम हो जाएगा, तो मेरा टोटल लॉस कितना हो रहा है, टोटल लॉस दो रीजन से हो रहा है, एक तो मुझे लेबर को 2000 पेमेंट करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, दैट इज माई लॉस, और 5250 जो मेरा सेल प्राइस कम हो जा रहा है 14000 यूनिट के लिए, ये दोनों मिला के मेरा लॉस हो रहा है 7250, ये मेरा लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हमें कितना सेविंग्स करना पड़ेगा, यहाँ पर बोला है ना, देखो, सो द नेट सेविंग्स इन प्रोडक्शन कॉस्ट विच शुड बी रिक्वायर्ड टू ऑफसेट द लॉसेस एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टर्नओवर एंड बोनस पेड टू वर्कर, तो टर्नओवर और बोनस पेड टू वर्कर से एक्सपेक्टेड लॉस मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, ये हो गया। अब ऑफसेट कितना करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इतना ही करना पड़ेगा टू ऑफसेट द लॉस, ठीक है, लॉस को अगर हमें रिकवर करना है तो सेविंग्स कितना करना पड़ेगा, द सेविंग्स इन अदर, बाकी चीजों में, ठीक है, बाकी प्रोडक्शन में हमें कम से कम 7250 रुपए का सेविंग्स करना पड़ेगा, अगर हम लोग 7250 का सेविंग्स कर लेंगे, ठीक है, तभी जाके हम अपना लॉस को रिकवर कर पाएंगे, ठीक है, तभी जाके हम लोग लॉस को रिकवर कर पाएंगे। यहाँ पर वही पूछा था कि अगर मेरा लॉस जितना हो रहा है ड्यू टू द एक्स्ट्रा पेमेंट एंड डिक्रीज इन सेलिंग वैल्यू, उस लॉस को हम लोग किस तरह से ऑफसेट कर सकते हैं, दूसरे किसी तरीके से, मतलब देखो लेबर को तो देना ही पड़ेगा, बोल दिए प्राइस कम हो गया, ये भी कुछ नहीं कर सकते, फिर प्रोडक्शन का दूसरा किसी मैटर से अगर हम लोग इसको रिकवर कर पाए, ये देखो नेट सेविंग्स इन प्रोडक्शन कॉस्ट, तो कम से कम हमें 7250 का सेविंग्स करना पड़ेगा किसी भी हालत में, तो हम लोग इस लॉस को ऑफसेट कर पाएंगे। अच्छा, तब यहां पर देख लेते एक बार मैंने कहां तक करवा दिया तुम लोग को, यहां पर मैंने लास्ट दिन बताया था कितना सारा क्वेश्चन हम लोग को करना है, मुझे लगता है मैंने 16 शायद मेरा बाकी रह गया, 16 और यहाँ तो पूरा ही करवा दिया 18, ये 16 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दो बाकी है, ठीक है, ये दो तुम लोग को होमवर्क फिर से दे रहे हैं, नेक्स्ट दिन हम लोग इस होमवर्क को सॉल्व करेंगे। 16 ग्रुप बोनस वाला है और 5 जो है वो लेबर टर्नओवर रेशियो के ऊपर है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 16 ये दो होमवर्क रह रहा है, ठीक है, नया होमवर्क ये दो रह रहा है, ये हम लोगों ने कर लिया ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट दिन हम लोग दूसरा टॉपिक लेंगे और ये दो होमवर्क जो है वो डिस्कस कर देंगे, ठीक है, आज यहीं तक करते हैं।